लोगे तो कैसे हो यार। एक बार फिर से सबका वेलकम होता है ई स्पोर्ट्स एम्पायर में गाइस। और जो भी हो यार चैनल पे नए और जिसने भी अभी तक नहीं किया शेयर और सब्सक्राइब, तो किसका कर रहे हो वेट यार, जाओ जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हॉर्नेट फियर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आज का यार ये थंडर कप का जो कि चल रहा है ई स्पोर्ट्स एम्पायर की तरफ से। मतलब बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव, एक बार एक मैंने अपने चैनल पे पर्सनली भी कास्ट किया, तो मतलब जिस तरीके की यहाँ पे टीम्स की फाइट एंड ऑल देखने को मिलने वाला है वो एक अलग नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को शेयर लाइक एंड जो कुछ भी होता है सब। एंड यहाँ पे ऑलरेडी रूम ज्वाइन हो चुके हैं, प्लेयर्स यहाँ पे ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे लेके चलता हूँ यहाँ पे रूम के अंदर। एंड यार एक और बार जो भी हो यार नए शेयर करना मत भूलना, लाइक कर देना। मेरी डिटेल शायद नहीं दी गई होंगी बट मेरा इंस्टाग्राम आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे वहां से भी फॉलो कर सकते हो। एंड या वी गो, एंड ये रहा आपके हमने रूम, सॉरी ये रहा रूम। एंड यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है रूम को। एंड आप लोग दिख रहा होगा 56 प्लेयर्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब आप लोग उठाइए सॉन्ग्स का लुत्फ और हम लोग आते हैं थोड़ी देर में वापस। Jack it up. ओके सो माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, सो आई कांट कास्ट इन इंग्लिश, सो मच सो मैं हिंदी कास्ट करूँ। वैसे भी डिटेल्स में भी ऑलरेडी दे रखा गया है, बट यार जिस तरीके की यहाँ पे लॉबी देखने को मिले, लाइक हेक्स की टीम भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। एंड यहाँ पे एसटीएट देखने को मिली, वॉकआउट देखने को मिल रही है, एंड काफी टीम्स यहाँ पे देखने को मिले, एमजीजेड देखने को मिले जो कि मेगा स्टार से। तो ऑब्वियसली जो फाइट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड आप लोग विश करते हैं कि अर्ली में टीम्स यहाँ पे फाइट ना ले, क्लोज ड्रॉप ना ले, जो मतलब होते हैं लाइक हॉट ड्रॉप्स वो टीम यहाँ पे ना ले, क्लैश ना देखने को मिले, नहीं तो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे फाइट जो थी वो इनिशिएट होती हुई दिख सकती है। हाँ अगर मैप के सेंटर से प्लेन पास जाता है जो कि जो कंपाउंड्स होंगे वो काफी अच्छे तरीके से इनिशिएट होते हुए देखेंगे, लाइक जॉर्जो सिटी, जॉर्जो पूल एंड रोजॉक एक अच्छा ड्रॉप रहेगा। एमजीजेड ऑब्वियसली रोजॉक जाना पसंद करती, लाइव क्राउड भी खेल रही, तो लाइव क्राउड जो है वो ड्रॉप लेना पसंद करेगी अपना स्कूल की तरफ। एंड अगर मैं बात करूंगा आपका वॉकआउट्स की, तो वॉकआउट्स का ड्रॉप थोड़ा सा जॉर्जो सिटी की तरफ क्लोज में रहता है, तो वॉकआउट्स वहां पे जंप करना पसंद कर सकती, तो वो भी टोटल सिनेरियो इस मैच में हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड यार एक बार फिर से जो भी ना हो शेयर कर दो, आई ट्राई माई बेस्ट टू कास्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, बोथ लैंग्वेज आई विल ट्राई एंड डोंट वरी। तब तक के लिए अभी तक मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ लूप के अंदर, उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको सीधे मैप व्यू की तरफ, एंड मैप व्यू के बाद सीधे मैच की इंटरेस्टिंग कास्टिंग, एंड उसके बाद फिर बैक फिर बैक फिर बैक। तो जब तक ले करिए आप लोग लाइक शेयर एंड या फिर वी गो एंड एंजॉय।
the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. ओके, सो जैसा मैंने कहा था कि मैच थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रौनक ज्वाइन कर चुकी है, आरआईपी टीम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है, यहाँ पे लाइव क्राउड भी ज्वाइन कर चुकी है, वीआरआई की टीम भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी हाई टीम है वो सब ने यहाँ पे मैच को ज्वाइन कर लिया, और मेरा अनुमान है कि आप लोग भी रेडी हो गए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हारा भाई तुम लोग को लेके चलने वाला है सीधे मैप व्यू की तरफ। सो हियर वी गो फॉर द मैप व्यू। ओके गाइस, सो जल्दी चलते हैं हम लोग मैप व्यू की तरफ, एंड जो भी यार नए हो यार ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है? ओ सॉरी, ये क्या दिखा दिया, ये लो, मतलब वो हो जाता है कभी कभी, इधर उधर निकल जाते हैं हम लोग। सो गाइस, ये रहा आपके सामने मैप व्यू, और अगर हम लोग बात करेंगे टीम्स के प्लेन पाथ की, तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक लेफ्ट साइड की तरह तो काफी टीम्स के यहाँ पे हेल्प रहेगी, लाइक जिस तरीके का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वॉकआउट सी जंप करना पसंद करती है, आरआईपी की टीम भी इन्हीं एरियाज में जंप करना पसंद करती है। फिनेटिक के रौनक जो की थे, मतलब कि ऑब्वियसली रौनक वो थोड़ा सा अलग टीम के साथ खेलते दिख रहे हैं, तो उनका भी जो गेम है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो बनता है। वी गो, एंड जो मैप व्यू है वो आपके सामने प्लेन पाथ यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, जॉर्जो सिटी की तरफ से, जॉर्जो सिटी से जाता हुआ दिखेगा डायरेक्टली मिलिट्री बेस की तरफ, तो एक हाई रिज एडवांटेज टीम्स को लेना पड़ेगा ऑब्वियसली इस फाइट को डेवलप करने के लिए, एंड देखने क्या सिनेरियो टोटल इस फाइट को यहाँ पे निकल के आता है। एंड थोड़ा सा अगर बाकी टीम्स की बात करेंगे, लोग यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके खेलना पसंद करती है, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन प्रिजन शेल्टर मिल्टा फार्म स्कूल, क्योंकि एमवाईएम की टीम ऑब्वियसली मिल्टा जाना पसंद करती है, तो लाइक उनका भी यहाँ पे सिनेरियो देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे कहाँ पे जंप पॉइंट लेते हैं, कहाँ से जो फाइट के लिए प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे रोटेशन डालते हैं। हॉर्नेट ओपी और वॉटियो स्नैक्स, अरे भाई थैंक यू, वॉकआउट ओपी, वॉकआउट ओपी कैलाश जोशी, हेलो हेलो कैलाश भाई। एंड अब यहाँ बात करेंगे लाइक स्कूल एक अच्छा ड्रॉप रहने वाला है यहाँ पे जॉर्जो सिटी में, ऑब्वियसली फाइट स्टार्ट भी हो गई है जैसा हम लोगों ने कहा था। चलते हैं यहाँ पे टीम्स की तरफ, तो लाइक इनकी टीम्स की बात करेंगे क्या सिनेरियो इनकी टीम की तरफ से यहाँ पे निकल के आता है, वो सबसे इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स के प्लेयर है म्यूज ओपी ने एक प्लेयर का पे नॉकडाउन किया था, बट अभी जो टीम है वो यहाँ पे जंप पॉइंट जंप लेती हुई दिख रही, तो लाइक वो सिनेरियो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे सारी की सारी टीम की तरफ से यहाँ पे निकल के आता है। टीम नंबर 12 की टीम है यहाँ पे इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स के म्यूज ओपी है, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इंडिया हम लोग लेके चलते हैं आपको यहाँ पे मैच के अंदर, एंड हियर वी गो। एंड यहाँ पे टीम्स की बात करेंगे, म्यूजोपी साइरस की बात करते हैं, साइरस भी यहाँ पे थोड़ा सा लूट अप करना चाहेंगे, और उसके बाद जो रोटेशन है वो यहाँ पे डालते हुए दिखेंगे, उनके पास M116 देखने को मिल जाएंगे, इनके जस्ट सामने यहाँ पे बाकी प्लेयर्स है। लाइक माइटी की बात करेंगे, माइटी यहाँ पे वाइजन का अच्छा खासा यूज करेंगे, इनके थोड़ा सा स्टार्टिंग ग्लिच है, कास्ट जो ग्लिच होता है वो है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नहीं चलेंगे, एसटीई की बात करते हैं, एसटीई के निंजा जॉर्ड यहाँ पे M116 लेके मूव करें, उनके साथ रॉबिन यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, टीपीपी ले रहे हैं रॉबिन यहाँ पे। एंड रॉबिन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो जस्ट यहाँ पे थॉमसन के साथ एक होल्डिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी टीम के लिए, एंड देखते हैं रॉबिन की हेल्थ यहाँ पे काफी ज्यादा लो आउट कर दी गई है, तो मतलब इसका मतलब रॉबिन एक क्लियरली फाइट लेते हुए दिख रहे हैं। ये बाकी प्लेयर्स की तरफ चलेंगे, इसके भी प्लेयर्स हैं, ये ग्लिच भाई कभी सही होगी यार,
एंड यहाँ पे अभी भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऊपर साइड एक फाइट हो चुकी थी, आईएएम के प्लेयर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग डाला था एंड आईएएम के नूब ने यहाँ पे थॉमसन के थ्रू जो किल था वो सिक्योर किया था। डायरेक्टली इन्होंने जंप डाला एस टी के प्लेयर्स के ऊपर जो कि टीम नंबर 8 के प्लेयर्स है, आई थिंक वो अकेले प्लेयर अपनी टीम से यहाँ पे बच रखे। तो एस टी के प्लेयर अकेले एकेएम से यहाँ पे शॉट ले रहे हैं, देखते हैं कितना जिगल के ऊपर पूरी पूरी पे दो प्लेयर्स को अगर एक साथ यहाँ पे चढ़ेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एकेएम के शॉट यहाँ पे पूरी पूरी यहाँ पे निकाल सकते हैं, दो प्लेयर को डाउन कर दिया, तीसरे प्लेयर को भी यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, रिलोडिंग में फंस गए यहाँ पे। एंड गन स्विच कर लेते अगर यूजेड आई में तो ऑब्वियसली यहाँ पे तीनों प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर दिया था, या फिर अगर एम्पोरी एकेएम ही उनकी पूरी रिलोडेड होती पहले यहाँ पे शॉट पे एमओज वेस्ट ना करते तो आई थिंक लग रहा था कि तीनों प्लेयर को यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे नॉक किल सिक्योर कर सकते थे। बट दिस आर द पार्ट ऑफ द गेम, ये सब चलता रहता है। बट एक अच्छी फाइट जरूर उनकी तरफ से देखने को मिली। अब टीम नंबर 2 की बात करते हैं, इनकी एक फाइट ऑब्वियसली देखने को मिली, गन के स्टोरी को जरूर यहाँ पे नॉक किल सिक्योर किया गया है। फेनेटिक के हरकुलस है, एनिग्मा सारंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सारंग यहाँ पे नॉक है, हरकुलस उनको रिवाइवल दे रहे हैं। यहाँ पे एटम जी गॉड जो कि है वो यहाँ पे फिश करते हुए दिख रहे हैं एंड उन्होंने फिश करके एक प्लेयर को यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया है, तो ये काफी अच्छी फाइट आते हुए दिख रही है। एनिग्मा सारंग की बात करते हैं, सारंग 0 किल्स के साथ खेले, हरकुलिस की बात करते हैं, हरकुलिस यहाँ पे डीपी का अच्छा खासा यूज करते हुए दिखेंगे। एंड लाइक मतलब एक अभी होल्डिंग अच्छी आ रही है, टीम टू के पास जिस तरीके का गेम प्ले देखने को मिल रहा है, उनके पास एक बहुत ही अच्छा रिज है, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, फार्म के एरियाज के पास जरूर देखने को मिला है, जहाँ पे टीम 16 आईएनएस की टीम वहाँ पे जंप करना पसंद करती है, तो वो एक सिनेरियो जरूर देखने को मिलेगा। आईएनएस के यहाँ पे डेथ नोट है वो यहाँ पे लूट अप कर रहे हैं, ईएलएमटी के हेक्टर थोड़ा सा दूर खेलते दिखेंगे, टीम नंबर 16 के प्लेयर है एंड आईएनएस के यहाँ पे डेथ नोट की बात डेथ नोट नोट है जो कि वो यहाँ पे 0 किल्स के साथ खेल रहे हैं। डेरियस की बात करते हैं, वो यहाँ पे UMP45 के साथ खेल रहे हैं एंड सर प्लीज अपना माइक ऑल से हटा लीजिए। एंड यार टॉक अबाउट टीम आईएनएस के बाकी प्लेयर लाइक ह्यूमनॉइड की बात करते हैं, ह्यूमनॉइड के पास यहाँ पे व्हीकल जरूर देखने को मिल जाएगी, तो एक अच्छी रोटेशन जो है वो उनकी तरफ से आते हुए दिख जाएगी एंड मोस्ट प्रोबब्ली जिस तरीके के कंपाउंड उनके पास देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ मैप व्यू की तरफ, तो लाइक अभी भी जिस तरीके का रोटेशन देखने को मिला है, लाइक मिल्टा पावर एंड मेंशन के काफी अच्छे ड्रॉप्स यहाँ पे टीम्स के पास देखने को मिल जाएंगे, और अभी भी वॉकआउट्स की भी फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो भी एक काफी अच्छी रोटेशन टीम के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या सीनियर यहाँ पे टोटल इस फाइट का निकल गया था, शॉर्ट्स वापस से लिए गए, यहाँ पे टीम ना 5 के प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज दी गई है एंड यहाँ पे टीम ना 5 के प्लेयर को यहाँ पे नॉकडाउन भी किया, डेल्टा के पीजी यहाँ पे जरूर मूव करेंगे बट हाइप के नॉट है, कॉन्टेंट ने एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया है। फेनेटिक के हरकुलस अकेले प्लेयर अपनी टीम से बच रखे हैं, देखते हैं हरकुलस किस तरीके से ये प्लेयर फाइट को निकालते हैं। मॉली जरूर किया गया है ताकि थोड़ी देर के लिए उनके होल्ड किया जाए, हरकुलस के पास क्लोजिंग जरूर आएगा एंड सॉरी फॉर दिस मैं ऑफ कर देता हूँ माइक। एंड अब बात करते हैं हरकुलस के पास डीपी है, तो डीपी में 47 एमओस का एडवांटेज देखने को मिलता है एंड पान सिंह जो है वो भी यहाँ पे क्लोज इन कर सकते हैं एंड स्मोक वॉल्स भी थ्रू के यहाँ पे क्लोजिंग जरूर डीपी के शॉट के लिए कहते हैं। यहाँ पे डीपी है, यहाँ पे दोनों प्लेयर यहाँ पे डैमेज काफी ज्यादा दी है एंड रिलोडिंग नहीं करनी चाहिए इनको, रिलोड डीपी का शॉट है, दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर चुके थे बट एक एम का बहुत अच्छा यहाँ पे स्प्रे कनेक्ट हुआ एंड एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया गया था। पान सिंह का एक बहुत ही प्यारा कवर देखने को मिला, दो किल्स अपने नाम किया है। अब आईएनएस के डेथ नोट और जो कि बाकी प्लेयर्स हेक्टर जो है, हेक्टर यहाँ पे क्लोज इन करेंगे एंड थर्ड पार्टी देखने को मिली टीम नंबर 16 की तरफ से, वी विल सी किस तरीके से टीम 16 इस फाइट को आगे क्लोज इन करती है। बिलॉल इनके पास व्यू काफी अच्छा है, ग्रेनेड यहाँ पे ऑलरेडी कुक कर चुके हैं एंड एक ग्रेनेड आई थिंक कनेक्ट भी करेगा यहाँ पे एंड यहाँ बता दिया गया कि नेड आएगा एंड डेल्टा के पीजी की तरफ से वापस एक ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो किया जाएगा, ग्रेनेड थोड़ी सी डैमेज भी प्रोवाइड करेगा प्लेयर्स को, जो नॉक था वो नहीं देखने को मिला है, वापस यहाँ पे ग्रेनेड किया जा सकता है पान सिंह के ऊपर बट कोई बढ़िया व्यू नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी डैमेज ये ग्रेनेड वापस से देगा एंड ये जो क्रेट्स थी उनको यहाँ पे लूटअप किया जा सकता है। यहाँ पे रैंडम शॉट्स के स्कारल के जा सकते हैं, काफी ज्यादा डैमेज दी, मतलब दो ही प्लेयर यहाँ पे क्लोज इन कर रहे हैं। हेक्टर की बात करते हैं, हेक्टर ने यहाँ पे क्लोज इन डाला था एक प्लेयर को, हेक्टर ने यहाँ पे नॉक भी किया है टीम 5 के एंड टीम 5 के लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट हो चुकी क्योंकि दो ही प्लेयर बचे, हाइप के नॉट और कॉन्टेंट है डेल्टा पीजी, जिसमें से डेल्टा पीजी यहाँ पे नॉक हो रखे हैं तो हाइप के नॉट और कॉन्टेंट अकेले प्लेयर बचे, गए जरूर थे एक एम का शॉट लेने के लिए बट ड्यू टू यहाँ पे थोड़ा सा रेंडम मतलब फ्लिक हुआ जिस वजह से जो शॉट थे वो हेड कनेक्ट नहीं कर पाए एंड आईएनएस के जो प्लेयर्स थे वो यहाँ पे इस थर्ड पार्टी को आगे कैरी करेंगे एंड तीन किल्स जो थे वो अपने नाम करेंगे एंड आगे की जो फाइट उसको सिक्योर करेंगे क्योंकि वॉकआउट्स वगैरह की जो टीम है वो भी काफी तरीके से खेल रही है। मेगा स्टार्स की बात करते हैं, रौनक है, डायरस है एंड टी एमपीएस के टी सिंचैन है, तो ऑब्वियसली रोजॉक ड्रॉप पॉइंट है वॉकआउट्स का, तो सॉरी मेगा स्टार्स का जो कि एमजीजेड की टीम है, तो वो यहाँ पे जंप करना पसंद करती है, चाहे सोलो हो, चाहे डुओ हो, चाहे ट्राई हो, चाहे किसी भी प्लेयर्स के साथ खेल लो, रौनक खेल रहे इसका मतलब है कि ड्रॉप जो है वो रोजॉक ही होने वाला है, तो ड्रॉक पॉइंट अपना रोजॉक करेंगे और वहां पे जो लूट है वो यहां पे कैरी करेंगे एमजीजेड के प्लेयर्स एंड उसके बाद जो रोटेशन है वो यहां पे आगे कैरी ऑन करते हुए देखेंगे टीम नंबर 4 के प्लेयर्स। ओके
ओके तो यहाँ पे फेनेटिक के पारितोस की तरफ चलते हैं, जो कि रैप्टर्स की टीम है। फेनेटिक के ये सब तो पारितोस कुछ यहाँ पे जीरो बताएंगे किल्स के साथ नहीं, खेल ये रहे हैं। भी आरआईपी ये के भी एटलेस कंफर्म की है, बात करते हैं, करता एटलेस के पक्का पास और जीरो करता है। किल्स हैं। सुनामी की बात करेंगे, अपनी टीम तो थोड़ा सा अलग खेलते हुए दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए, जिस तरीके का इनके पास कंपाउंड देखने को अरे मिल अरे रहा थैंक है। यू सो मच फॉर द टेकिंग गुम्बा मेंबरशिप ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। வேற விபிஎன் ட்ரை பண்ணுங்க பாய், பெய்ட் விபிஎன் வச்சிருக்கியா பாய் வீரா பாய், பெய்ட் விபிஎனா இல்ல என்ன அந்த நார்மல் விபிஎன் தானா? பாக் ப்ரோ சீரியஸ்லி வேற விபிஎன் ப்ரோ, எவ்வளவு நேரம் பாய் ட்ரை பண்ணுறேன், 45 MS தான் only அப்படியா? ओके सो वापस से चलेंगे आरआईपी के प्लेयर्स की तरफ से, एंड आरआईपी के तू सुनामी जो सुनामी जो की है वो यहाँ पे अभी भी मूव कर रहे हैं। सुनामी के पास एक अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, एंड राइट साइड में भी अभी प्लेयर्स होल्ड कर। अपना அடுத்த மேட்ச் நான் அத ட்ரை பண்றேன் சரிங்களா? एंड यहाँ पे आरजी के प्लेयर्स की बात करते हैं, टीम नंबर 7 के प्लेयर्स है आरजी के, क्लाउनी यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। क्लाउनी की तरफ से यहाँ पे MZZ मार्कोस गेमिंग ब्रो, हाँ भाई वही, सॉरी मैं मुंह से निकल गया था, मतलब मेगा स्टार भी एक टीम थी तो मैं उसको यहाँ पे फोकस कर रहा था। और ये ऑल पे ये जो प्लेयर्स का माइक है ना, ये दिमाग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे पी की बात करते हैं, ALMT के हेक्टर को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, INS के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया गया है। INS के देरिया से यहाँ पे एक किल के साथ अभी भी यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं क्या सिनेर उनकी तरफ से आता है। ओके सो एक्सॉम टीम को दिखाओ भाई, दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। पी की बात करते हैं, पी के यहाँ पे AESA के माइकल 2 किल्स के साथ खेल रहे हैं, हाउस भी यहाँ पे अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर एक्सॉम की बात करते हैं, एक्सॉम का स्लॉट नहीं पता भाई मेरे को, एक्सॉम को आप स्लॉट जरा एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए, भाई देख रहे हो ऑल पे, ऑल पे देख रहे हो आप लोग? பெய்டுனா கட் ஆகாது அப்படியா பாய்? எனக்கு அப்பனா அந்த இதை மட்டும் எனக்கு டீடைல் வாங்கி எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றீங்களா? நான் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அதை ட்ரை பண்ணனும். माइटी यहाँ पे मूव करेंगे इनिशियल से भी स्पोर्ट्स के, म्यूज ओपी के पास एक किल देखने को मिलेगा। साइज की बात करें Z9 0 किल्स, नूब की बात करते हैं एक किल उनके पास देखने को, क्रॉल HB की बात करते हैं 0 किल्स के साथ मूव कर रहे हैं। एक्सेस के एस गेम रेक्स की बात करते हैं 0 किल्स उनके पास जाएगा। INS के नूब के पास भी यहाँ पे 0 किल्स देखने को मिल रहे हैं। पेन की अगर बात करते हैं, पेन के पास भी यहाँ पे 0 किल्स अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जस्ट की टीम लाइव क्राफ्ट के साथ एक अच्छी फाइट डील अप कर रही है। लाइव क्राफ्ट के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन भी किया गया, तो आई थिंक लाइव क्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली इस फाइट के लिए। चलते हैं यहाँ पे लाइव क्राफ्ट की तरफ, देखते हैं क्या सीन है उनकी तरफ से बनता है। ऑब्वियसली उनका जो ड्रॉप पॉइंट है वो यहाँ पे स्कूल की तरफ ही देखने को मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली रोजॉक के काफी ज्यादा क्लोज। तो टेक्टिकल की टीम की बात करते हैं, हिटमैन यहाँ पे 0 किल्स के साथ है, स्टॉर्म की बात करते हैं वो यहाँ पे 0 किल्स के साथ यहाँ पे मूव करेंगे। जेड की टीम के साथ यहाँ पे फाइट हुई थी, जिसके रीपर ओपी ने 2 किल्स निकाले थे। यहाँ पे नेक्स्ट आईटी की बात करें, 0 किल्स उनके पास, रीपर ओपी की बात करते, अच्छी फाइट उन्होंने यहाँ पे डील अप करी, कंपाउंड यहाँ पे होल्ड किया था। मैजिक बॉय के पास 2 किल जाएंगे, एक्सोविक की बात करते हैं 0 किल्स, रीपर ओपी की बात करते हैं उनके पास 2 किल जाते हुए दिखेंगे। एंड जेकी की बात करते हैं कि कोजा यहाँ पे 0 किल के साथ मूव कर रहे हैं, जोक के कोजा के पास भी यहाँ पे 0 किल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक्सैन के कोजा के पास 0 किल देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे ज्वेन की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे स्कूल के पास होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। लाइक इनकी तरफ से जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू अभी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि ऑब्वियसली फाइट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। एंड के जस्ट सामने पूरे का पूरा स्कूल का एरिया है, तो ऑब्वियसली लूट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी स्कूल के लिए कोई टीम होल्ड कर नहीं रही है, बट इन्होंने यहाँ पे रिच पकड़ना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि इनको पता है जिस तरीके की यहाँ पे लॉबी थी, जो टीम्स यहाँ पे जंप करना पसंद करती है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके सो बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे, आरएचजी की बात करते हैं, आरएचजी के यहाँ पे न्यूवीज की ओपी 0 किल के साथ खेल रहे हैं। एंड
ओके तो यहाँ पे शॉट लेते हुए देखेंगे, 3x के साथ वॉकआउट्स के प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट किया गया था जो कि मिस्टर स्प्रे थे, एंड मिस्टर स्प्रे लिटरली अभी के लिए तो यहाँ पे निकल चुके हैं। मतलब वॉकआउट्स के प्लेयर बहुत ज्यादा ओपनली खेल रहे हैं एंड वॉकआउट्स के अंदर डोमिनेशन तो है, मतलब ऑब्वियसली फाइट लेना प्रीफर करते हैं, लाइक क्रोज एडवांटेज की फाइट हो या फिर थोड़ा सा होल्ड करके फाइट हो तो वो यहाँ पे जरूर प्रीफर करते हैं। शॉट भी लिए गए थे यहाँ पे मिस्टर स्प्रे के प्लेयर्स का, व्हीकल बग्गी जो थी उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करी गई, कभी भी जो वो डैमेज व्हीकल था वो बस डाउन भी गया था। यहाँ पे पीछे से पड़ेंगे इनके ऊपर शॉट एंड अब हो गए पे नॉकडाउन। बाकी के प्लेयर्स की बात करते हैं वो भी यहाँ पे वापस से यहाँ पे शॉट लेते हुए दिख सकते हैं, लिटरली देखते हैं क्या सिनेरियो जो है वो इस फाइट का आगे निकल गया था। बट अभी के लिए मिस्टर स्प्रे यहाँ पे नॉकडाउन, उनकी टीम उनको रिवाइवल जरूर देना चाहेगी। एंड वॉकआउट के बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, बियर्ड बाबा उनकी टीम से काफी ज्यादा दूर है, मैक्सी वो की बात करते हैं उन्होंने क्लोज इन जरूर डाला, स्प्रे को रिवाइवल जरूर देना चाहेंगे बट उनको जस्ट पता उनके जस्ट सामने टीम होल्ड कर रही है, अगर ज्यादा ओपन नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको भी काफी ज्यादा जो डैमेज है वो यहाँ पे डीलअप करनी पड़ जाएगी। बट अरबार के प्लेयर्स की बात करते हैं, अरबार के जो वॉकआउट्स है वह पे अभी के लिए प्रोन डाउन एंड एक जो क्लोज इन है वो वॉकआउट्स वर्सेस देखने को मिल सकता है टीम नंबर 23 विच इज टीम आरएचजी, एंड आरएचजी की डोमिनेशन भी हम लोगों ने ऑब्वियसली पहले देख रखी है तो उनकी जो फाइट है वो भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वो डीलअप करना पसंद करते हैं तो वो भी काफी पर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे वॉकआउट के प्लेयर लेंगे यहाँ पे शॉर्ट। मैक्सिको की बात करते हैं, M4 देखने को मिल रही है यहाँ पे डैमेज देते हुए दिखेंगे प्लेयर्स को एंड अभी भी यहाँ पे स्पॉट किया जा रहा है, यहाँ पे स्प्रे को रिवाइवल नहीं दिया जा पाएगा बट बियर्ड बाबा को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है एंड इनका भी किल सिक्योर किया जाएगा। आई थिंक बहुत ही गलत रोटेशन गई थी अपने प्लेयर रिवाइवल के लिए गए थे तो वही यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक थी, लाइक राइट साइड से जाने के लिए शॉट दिए गए थे, थोड़ी सी डैमेज भी यहाँ पे कनेक्ट करी गई मैक्सी के वॉकआउट की तरफ से एंड जो मैक्सी है उनकी तरफ से काफी अच्छी फायर देखने को मिले, दो प्लेयर यहाँ पे नॉक है, अब इनके स्प्रे का ऑब्वियसली किल जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अब मैक्सी एंड अरबार लास्ट टू प्लेयर, देखने वाली बात है कि सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए खेलना चाहेंगे कि फाइट के लिए खेलना चाहेंगे, दिस इज द मेन थिंग एंड वही यहाँ पे सबसे डिसीजनिंग फैक्टर होगा इस फाइट का। एंड मतलब काफी ज्यादा सती इनके बॉडीज का जो शॉट या 3x का डैमेज भी काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करी सामने वाली टीम के लिए एंड वापस यहाँ पे जो स्मोक वॉल थे वो करते दिख रहे हैं। यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं जो इनके जस्ट सामने आरएचजी के प्लेयर है, आरएचजी के यहाँ पे न्यूबीज ओपी है, ग्रेनेड यहाँ पे कुक कर चुके हैं, करेंगे थ्रो यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है मैक्सी वो के ऊपर एंड यहाँ पे वापस से ग्रेनेड कुक किया गया है, वापस यहाँ पे थ्रो किया जाएगा, राइट साइड दरबार का क्लोजिंग आता हुआ दिखेगा एंड वी विल सी क्या सिनेरियो यहाँ पे बनता है। मैक्सी की बात करते हैं, मैक्सी के प्लेयर्स यहाँ पे वापस से क्लोजिंग करते हुए दिखेंगे, ओके तो वापस यहाँ पे शॉट लिया गया मैक्सी वो ने, यहाँ पे मैक्सी वो को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। आई थिंक एक अकेले प्लेयर इस फाइट के लिए बचे एंड देखते हैं वो किस तरीके से इस फाइट को आगे क्लियर करते हैं क्योंकि डिफिकल्ट ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए, अकेला प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है एंड देखते हैं यहाँ पे आरएसजी के प्लेयर है, यहाँ पे क्लोज इन आया, यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज इन डाले, एक और प्लेयर स्पॉट किया, जंप शॉट के लिए गए, वापस यहाँ पे डैमेज देते हुए दिख रहे हैं प्लेयर्स तो लाइक देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे टीम की तरफ से आता है एंड यहाँ पे डायरेक्टली क्लोजिंग, एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, यहाँ पे क्लोज इन आना चाहिए बाकी प्लेयर्स का एंड वापस यहाँ पे प्लेयर्स गए क्लोज इन के लिए। यहाँ पे अरबार अपनी भी अकेले प्लेयर डीपी के यहाँ पे शॉट जरूर ले जाएंगे, अकेला प्लेयर यहाँ पे पीपी स्विच कर गए थे प्लेयर्स यहाँ पे एंड ओके तो अरबार को भी यहाँ पे इस फाइट में एलिमिनेट कर दिया गया है तो बहुत ही प्यारे तरीके से जो प्लेयर्स की फाइट थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही, तो मतलब डोमिनेशन जो थी वो यहाँ पे एक नंबर देखने को मिली है प्लेयर्स की तरफ से, लाइक अकेला प्लेयर जिस तरीके से यहाँ पे खेल रहा था। थैंक्स मच ब्रो, फाटी ब्रो, वीपीएन इश्यू सुनाने के लिए, अरे कौन है यार भाई ये ऑल पे लगा के दिमाग खराब कर रहा होती देर से। रौनक की तरफ चलेंगे जो कि यहाँ पे फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे बीएसटी के पुकार है एंड उनके साथ यहाँ पे जस्ट सामने एक फाइट देखने को मिल सकती है। अभी के लिए रौनक जरूर यहाँ पे स्कारल से होल्ड करते हैं, जस्ट सामने बात करते हैं क्रॉल के एचपी यहाँ पे M416 के साथ क्लोज इन डाल सकते हैं, लाइक बाकी टीम की बात करें जस्ट सामने टीम नंबर 11 के प्लेयर है, राइज टीम नंबर 17 के प्लेयर्स है, क्रॉल एचपी यहाँ पे शॉट लेते हुए दिख सकते हैं एंड देखते हैं क्या सीन उनकी तरफ से यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे बात करते हैं क्रॉल के एचपी यहाँ पे व्हीकल से क्लोज इन करेंगे जो कि यहाँ पे उनके पास बग्गी देखने को मिल रही है, अपने बाकी प्लेयर्स के पास जाएंगे एंड टीम नंबर 11 के प्लेयर्स को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट में बात करते हैं टीम नंबर 18 के प्लेयर्स हैं एंड देखते हैं टीम नंबर 18 की तरफ से क्या डायरेक्टली क्लोजिंग डाला है टीम 18 की तरफ जो कि पीई के प्लेयर है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने स्पॉट किया, ग्रेनेड ऑलरेडी कुक कर चुके हैं, ग्रेनेड को यहाँ पे थ्रो भी करेंगे, क्रॉल के एचपी को ये ग्रेनेड जरूर कनेक्ट करेगा, थोड़ी सी डैमेज भी यहाँ पे उनकी तरफ से देखने को मिलेगी एंड वापस यहाँ पे जो 3x के शॉट है वो प्लेयर्स यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं, तो मतलब जो फाइट हो
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे चलती हुई दिखेगी। एंड पी के एईएस के यहाँ पे माइकल है, माइकल क्रॉल के एचपी को डाउन। पेन की बात करते हैं, पेन यहाँ पे जरूर M4 विद 3x के साथ होल्ड करते होते लाइक देखने वाला सिनेरियो है किस तरीके से जो फाइट है वो प्लस की आते हुए दिखेगी। एंड बाकी प्लस की तरफ चलेंगे, पेन यहाँ पे वापस शॉट लेंगे, क्रॉल के एचपी यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एंड क्रॉल के एचपी एक ग्रेनेड वापस से कुक कर चुके हैं। एंड यहाँ पे देखने को मिलता है टीम नंबर 18 के प्लस लाइक पे ईएस की बात करते हैं, पॉली के ऊपर वापस से शॉट आता हुआ दिखेगा, डीपी देखने को मिल रही है। एंड आईएनएस के प्लस उनके जस्ट सामने, आईएनएस के प्लस के ऊपर भी जो शॉट है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ओके तो वापस यहाँ पे शॉट लिया गया एंड पॉली वापस यहाँ पे शॉट ले तो दिखेंगे, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे दिखाई गई है पॉली के ऊपर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो फाइट है वो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलेगा। देखते हैं किस तरीके से अब ये यहाँ पे खेलेंगे। उनके पास ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिला था, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो करने के लिए भी गए थे। एंड बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे तो लाइक देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे बनता है। पीएस के पॉली के पास M4 देखने को मिल रही है एंड M4 से यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ दिखेगा। ओके तो पीएस के पॉली यहाँ पे ग्रेनेड कर सकते हैं। पावर हाउस की बात करते हैं, पावर हाउस के भी प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करने के ऊपर दो टीम्स का क्लोजिंग आ सकता है। टीम नंबर 11 ने डायरेक्टली मशीन मारा है, पावर हाउस थोड़ा सा नीचे होल्ड कर रहा है तो लाइक एक ग्रेनेड भी इनकी तरफ से कुक कर दिया गया, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो भी किया जाएगा। एंड ओके तो वापस एक ग्रेनेड किया गया। ओके तो यहाँ पे डैमेज काफी ज्यादा दी गई है, क्रॉल एच भी है यहाँ पे। पॉली की बात करेंगे, जस्ट अपर साइड में होल्ड करते हुए दिखेंगे। ओके तो यहाँ पे पावर हाउस के पास अभी भी यहाँ पे AKM देखने को मिल रही है, जस्ट यहाँ पे अकेला प्लेयर इस मतलब इस कंपाउंड के नीचे साइड होल्ड कर रहा है जिसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्लेयर का स्पॉट भी किया गया था, AKM यहाँ पे शॉट के लिए भी गए, थोड़ा सा पहले यहाँ पे ग्रेनेड अगर थ्रो करते तो आई थिंक मॉली में यहाँ पे फंस सकते थे लिटरली बचे। वापस इनके ऊपर ग्रेनेड पे ग्रेनेड आते हुए दिख रहे, तो अकेला प्लेयर यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है, डिफिकल्ट है। मॉली कनेक्ट भी किया, यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा डैमेज आई है, पूरा जिगल देंगे बट यहाँ पे इनका भी एग्जिट हो जाएगा। पावर हाउस का जो कि अकेले प्लेयर बचे थे इस कंपाउंड में फाइट ले रहे थे एंड उनका भी एग्जिट कर दिया जाएगा। टेक्टिकल के प्लेयर्स ने जरूर यहाँ पे बैक टू बैक दो नॉक्स निकाले, तो यहाँ पे इनके जस्ट सामने MYM के प्लेयर्स होल्ड करें, उनकी भी काफी थी फाइट टीम 20 के प्लेयर्स के साथ देखने को मिले। टीम 20 के दो प्लेयर्स आप होंगे तो टीम 20 को यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है मिस्टिक्स की तरफ से, जो कि यहाँ पे टीम नंबर 7 के प्लेयर्स से 3 किल्स अकेले एक प्लेयर को निकाले थे यहाँ पे। तो वो फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे देखने को मिली प्लेयर्स की तरफ से। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, लाइक अभी भी बात करें तो 12 टीमें एंड 40 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखेंगे। ओके सो गाइस क्वालिटी क्या पुअर लग रही है क्या? अगर क्वालिटी पुअर लग रही हो तो एक बार मेरे को जरा चैट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रही, मैं भी ऑलरेडी स्ट्रीम खोल के ही देख रहा हूँ तो दैट्स वाई। बट अगर लग रही हो क्वालिटी पुअर तो बता दो, मैं ग्राफिक्स वगैरह थोड़ा चेंज आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। TMPS की टी सिंचैन की बात करते हैं, वो जरूर अपने आपको एनर्जी ड्रिंक से यहाँ पे पंप अप करेंगे। डार्क की बात करते हैं, यहाँ पे 7 के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया गया है एंड यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं RIP एटलस, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन उन्होंने रिएक्ट शॉट किया। रौनक का व्हीकल यहाँ पे बस डाउन किया जा सकता था बट यहाँ पे एटलस के शॉट नहीं कनेक्ट किए गए, एटलस को यहाँ पे जोन की डैमेज जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दिख रही है। जेडी के डायरस की बात करते हैं, जेडी के डायरस ने यहाँ पे क्लोजिंग डाला गया था तो उनकी तरफ से जो फाइट है वो यहाँ पे इनिशिएट होती हुई दिख रही है, जो कि यहाँ पे MGZ की टीम है। तो देखते हैं आप किस तरीके से MGZ यहाँ पे खेलते हुए दिखेगी। नहीं बराबर है सर्वेश पाटिल, पता नहीं भाई बंदे क्यों कह रहे हैं पुलकेश बड़ा पुअर भाई। अब क्या तुम लोग भाई, ऑब्वियसली यार हद है यार, ये देखो भाई, भाई HD एक्सट्रीम ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहो मैं वो लगा दूं। एंटी अलाइजिंग भी ऑन कर दी, ये लो एंटी अलाइजिंग में ये होता है भाई। अब बताओ अब मैं क्या लेके दूंगा आपको, जो मेरे हाथ में वही तो कर सकता हूँ ना ब्रो। ओके सो यहाँ पे जेडी के डायरेक्ट यहाँ पे प्रोन है, वो यहाँ पे शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे TMPS के सिंचैन ने ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो किया था एंड वापस से होल्ड देखने को मिल रहा है, ग्रेनेड कनेक्ट भी करेगा, काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज देखने को मिल रही है उनकी तरफ से। एंड फनेटिक के पारितोष ने यहाँ पे शॉट लिया था, फनेटिक के पारितोष की तरफ चलेंगे, एक किल उनके पास देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जरूर व्हीकल्स के पास होल्ड करते हुए दिखेंगे, रोटेशन उनकी तरफ से वापस से आते हुए दिखेगी। XOM की टीम को दिखाओ भाई, XOM का स्लॉट था, यहाँ पे पारितोष को नॉक कर दिया गया है। ELMT के और ही नॉक, अकेले प्लेयर बचे थे उनको भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। एंड टीम 23 के प्लेयर्स की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे शॉट कनेक्ट किया था। VST के पुकार की बात करते हैं, वो यहाँ पे जस्ट अपर साइड होल्ड करते हुए दिखेंगे। लाइक देखते हैं, सो फोर किंग या ब्रो फोर किंग को दिखा भाई, स्लॉट बताया करो तो मे भी बहुत ज्यादा इजी होता है आपकी टीम को डायरेक्टली दिखाने के लिए। फोर किंग की बात करते हैं, गुरु FTW यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गुरु FTW की तरफ से जो होल्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके भाई मूवी कर दिया मैंने, अब बताओ
यहाँ पे फोर किंग के गुरु यहाँ पे फिलहाल के अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देते हुए देखेंगे। राइट साइड पे टेक्टिकल की टीम आ चुकी है फेनेटिक के यहाँ पे। ओके तो एफएस के प्लेयर्स यहाँ पे नॉक ले रहे हैं, जेडी के डायरेस को भी यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया है। टीम 17 यहाँ पे फोर मैन स्क्वाड खेल रही है, हेक्स की टीम को यहाँ पे ओपनली आना है तो टेक्टिकल की टीम के लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। एंड अगर वो अगर यहाँ पे स्पॉट करती तो लेगी जरूर सिक्स के शॉट पे, स्पॉट भी किया, शॉट भी यहाँ पे ट्राई किया, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक भी कर दिया। ओजी के डार्क को यहाँ पे नॉक किया गया था एंड उनको यहाँ पे किल सिक्योर भी किया जाएगा, ऑब्वियसली किल भी यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। ओजी के डार्क के ऊपर वापस यहाँ पे शॉट लेते गए थे प्लेयर्स, तो ये काफी थी फाइटर है। जेकी की बात करते हैं, कोजा यहाँ पे जरूर होल्ड करते हुए देखेंगे जो की पूरी टीम है सीओएसए की। एंड माइटी काफी अच्छी तरीके से इस फाइट को एलिमिनेट कर, लाइक जिस तरीके से टीम 12 खेले, किल्स की बात करते हैं उनके पास 6 किल्स खेल रहे हैं। एंड डीपी के अच्छे खासे यहाँ पे शॉट्स आते हुए दिख रहे हैं प्लेयर्स की तरफ से, एंड यहाँ पे डीपी के क्या वापस से शॉट देखने को मिलेंगे। राइट साइड से भी यहाँ पे शॉट इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे बीटीएफ की टीम है, क्रॉल की टीम है। फोर किंग की तरफ हम लोग चलेंगे, उससे पहले एक टेक्टिकल के प्लेयर्स को देख लेते हैं, वो भी यहाँ पे जस्ट प्रोन डाउन है। एंड थोड़ा सा अपर क्रॉल के एचबी 3 किल के साथ खेल एक्सेस एस गेम की बात करते हैं, वो यहाँ पे 0 किल के। आईएनएस की नूप की बात करते हैं, 1 किल उनके पास देखने को मिल जाएगा अभी के लिए। एंड यहाँ पे पेन की बात करते हैं, उनके पास 0 किल्स के साथ यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे साइरस के ऊपर शॉट एंड माइटी को भी यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पेन यहाँ पे काफी तरीके से M4 के साथ खेल रहे हैं, इसके साइरस D9 के ऊपर यहाँ पे शॉट वापस से आते हुए दिख सकते हैं। तो मतलब ये जो फाइट चल रही है काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिल रही है। राइट साइड लेफ्ट साइड से भी शॉट आ रहा है यहाँ पे, आईएनएस के नूब अकेले प्लेयर थोड़ा सा नीचे साइड खेल रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीटीएफ की जो टीम है टीम नंबर 17 वो यहाँ पे इनको इजिली तरीके से यहाँ पे स्पॉट कर सकती है। एंड लाइक देखते हैं किस तरीके से वो इस फाइट को आगे इनिशिएट करती, बट जिस तरीके से रिलोड रिलोड के 007 है वो यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे प्ले जोन से यहाँ पे प्लेयर को डाउन किया गया था। एंड फोर किंग के गुरु FTW है, क्रॉल के फेरो है, यहाँ पे पीटीएफ के जय है, वो 0 किल के साथ खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे वापस चलते टीम 21 के प्लेयर, डीपी यहाँ पे शॉट लिया जाएगा, यहाँ पे किया गया है नॉकडाउन, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे स्पॉट किया गया था पीटीएफ के जय ने। तो नाउ वी हैव जिस तरीके से फोर किंग का गेम प्ले आ रहा है, आईएनएस के प्लेयर्स को भी यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, स्पेशली नूप को। एंड नूप का बहुत ही ओपनली क्लोजिंग आ रहा है, नूप को स्पॉट किया गया, लिया जाएगा डीपी का शॉट, बट थोड़ा सा अर्ली ये शॉट लिया गया। ओके तो जोन के बाहर है, डैमेज बहुत ज्यादा हुआ। ओके तो जय को यहाँ पे 1 एचपी से भी यहाँ पे कम कर दिया गया था। एंड एफएस के प्लेयर्स गमला बॉय आप इससे क्लोजिंग करेंगे। एंड ओके तो यहाँ पे डायरेक्टली फायर, टेक्टिकल के हिटमैन को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। अब स्टॉर्म अकेले प्लेयर बचे टेक्टिकल के, देखते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे खेलेंगे। एंड यहाँ पे भाई M4 का क्लोजिंग आया, यहाँ पे डैमेज ले जाएगा। ओके तो टेक्निकल के स्टॉप को भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया गया क्रॉल की तरफ से। एंड भाई क्रॉल HP जिस तरीके से इस मैच को अब ले गए, बट रौनक यहाँ पे पहुंच चुके हैं टॉप 4 में एंड उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। क्रॉल HP ने जिस तरीके से इस गेम को अपने नाम किया है, मतलब लास्ट फेज में 4 किल्स निकाले इन्होंने। एंड जो क्लोजिंग देखने को मिला था क्रॉल HP की तरफ से वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, वही सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस फाइट का। अब रिलोड की बात करते हैं, रिलोड 007 है यहाँ पे। ओके तो वापस चलेंगे एक्सेस के गेम, एक्सेस है, पेन यहाँ पे 1 किल के साथ है। बीटीएफ जय की बात करते हैं, 1 किल उनके पास देखने को मिला, क्रॉल के फेरो के पास 1 किल देखने को मिलेगा। डायरेक्टली क्लोजिंग डाला है यहाँ पे फेरो ने, टीपीपी जरूर ले रहे क्योंकि स्मोक वॉल्स हो चुके हैं। यहाँ पे रशिन देखने को मिल सकता है, यहाँ पे लिया जाएगा स्पॉट, लेंगे एक रैंडम शॉट, यहाँ पे हेड बट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं फेरो। आप देखते हैं जय का किस तरीके से क्लोजिंग आएगा, फोर किंग के गुरु ने अभी क्लोजिंग डाल चुके हैं यहाँ पे एंड उनके पास बैरल देखने को मिल रहा है। बैरल इतना जॉट वेपन है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग देखने को मिल सकता है फोर किंग की तरफ से। अब लास्ट की 3 टीम से यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखते हैं किस तरीके से ये 3 टीम से यहाँ पे खेलेंगे क्योंकि रिलो ने यहाँ पे एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन कर दिया। नाउ वी हैव लास्ट 3 टीम, तो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है रौनक, FS के प्लेयर्स वर्सेस यहाँ पे 4 किंग के प्लेयर्स एंड टीम 11 के, जो ये 2 प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, हील बैटल कर रहे हैं इतने क्लोज में। यहाँ जोन इनके जस्ट बगल में, जो जोन जा सकते हैं, नहीं अब जोन इनसे काफी ज्यादा दूर है एंड व्हीकल लेके भी कोई फायदा नहीं होगा। पर रौनक यहाँ पे स्कारल का शॉट जरूर लिया गया था एंड सेकंड वेपन कार 98 है एंड आई डोंट थिंक क्योंकि कार 98 इस वक्त कोई यहाँ पे यूजफुल होगा, बट देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे रौनक की तरफ से शॉट आ जाए। ओके तो वापस यहाँ पे शॉट लिए जाएंगे रिलोड के बाकी प्लेयर की तरफ, ओके वापस यहाँ पे शॉट लिए जाएंगे, एक फाइट को निकाला है, डायरेक्टली क्लोजिंग डाला था यहाँ पे रौनक की टीम ने। एंड जो कि यहाँ पे VST पुकार है, FS के बोप डोपते एंड FS के गमला बॉय, तो उनको पता है 2 प्लेयर यहाँ पे हील बैटल पे कर रहे हैं एंड यहाँ पे FS के गमला बॉय जो है व्हीकल लेके निकल चुके क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे किल्स एंड बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहे हैं इस फाइट को अपने। ओके तो यही गलती थी, लाइक जोन के बाहर यहाँ पे क्लोजिंग डाला था एंड यहाँ पे जोन के अंदर घुस के ये फाइट निकाली है यहाँ पे रौनक की टीम ने, जो कि थी यहाँ पे फ्यूचर स्टेशन की टीम।
बोप डोप गमला बॉय एंड उनके साथ उनकी टीम के जो बाकी प्लेयर थे लाइक जिस तरीके से इन्होंने इस फाइट को डील अप किया वीएसटी पुकार एक किल यहाँ पे रौनक चार किल यहाँ पे एफएसके प्लेयर्स के पास गमला बॉय के पास पांच किल टोटल यहाँ पे 11 किल क्रॉल की बात करते पेन की बात करते टोटल यहाँ पे 7 किल देखने को मिले फोर किंग की बात करते इनके पास टोटल 4 किल्स गए थे जिस तरीके से यहाँ पे क्रॉल वगैरह खेल रहे थोड़ी गलती देखने को मिली लास्ट में बस एक ही टीम के पास इनके पास 5 किल जाएंगे टेक्टिकल की बात करते जीरो दो किल यहाँ पे हिटमैन ने निकाले थे आई एम नूप के पास टोटल इनकी टीम की बात करते इनके पास जाते हुए देखेंगे टोटली 6 किल्स एंड आरएसजी की बात करते हैं 7 किल्स इनके पास जाते हुए देखेंगे ओजी के डार्क की बात करते हैं 0 किल्स एमवाईएम की बात 3 किल्स यहाँ पे सिंसई के पास जाएंगे 3 किल्स यहाँ पे एमजी ड्रोन या जेडी डायरस के पास जाते हुए देखेंगे एंड पोस्ट मानू गॉडेक्स की बात करते हैं 0 किल्स इनकी टीम के पास जाएंगे फनेटिक पारी तो उसका काफी अर्ली एग्जिट हो गया था जोन में बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं 1 किल पारी तो उसके पास जाएगा जैक जोई की बात इनके पास टोटल 7 किल्स देखने को मिलने वालेंगे एंड 3-4 किल्स यहाँ पे टीम 14 के पास वॉकआउट का एक अर्ली एलिमिनेशन क्योंकि एक एक करके प्लेयर्स यहाँ पे उनके एग्जिट हुए थे बट एक किल यहाँ पे जरूर हर बार ने निकाला था लाइव क्राफ्ट के प्लेयर्स की बात करेंगे यहाँ पे 2 किल्स देखने को मिलेंगे आईएनएस की बात करते हैं उनके पास यहाँ पे टोटल किल्स की बात करेंगे अच्छे किल्स नहीं बट हाँ 2-3 किल जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे पान सिंह का जो क्लोजिंग आया था उन्होंने किल्स अर्ली स्टेज में बहुत ही अच्छे खासे निकाले थे लाइक किल्स की टोटली बात करते हैं उनके पास देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे 6 किल्स एंड गन एनिग्मा फनेटिक एटम की बात करते हैं इनके पास 1 किल जाएगा एसटी8 की प्लेयर्स की बात करते हैं उन्होंने जॉर्जो सिटी में फाइट ली थी और 0 किल्स के साथ यहाँ पे 20 पोजीशन पे जो मैच है उसको यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो हियर वी गो फॉर द कास्ट स्टेटस एंड टॉक अबाउट सम लवली फैक्ट्स जो कि यहाँ पे इस मैच में हम लोग को देखने को मिले एंड जिस तरीके से यहाँ पे जो टीम खेली थी वो मतलब यहाँ पे अलग ही लेवल यहाँ पे फाइट जो था वो यहाँ पे देखने को मिला टीम्स की तरफ से ओके तो हियर वी गो एंड ओके मतलब जिस तरीके की गाइस यहाँ पे फाइट इनिशिएट हुई थी मतलब ऐसा लगा नहीं था कि अर्ली फेज में रास फर्कल जिस तरीके से रौनक की टीम खेल रही थी उन्होंने कहा मैं जोन के अंदर घुस के यहाँ पे फाइट लेना चाहूंगा एंड उन्होंने डायरेक्टली जो क्लोजिंग था वो भी डाला एंड जो किल्स थे वो अपने नाम किए तो वो काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस मैच का एंड किल्स इन्होंने सोचा कि 2 किल्स हम क्यों ड्रॉप करें अगर हमारे प्लेयर्स निकाल सकते हैं इजी चिकन डिनर तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती थी अगर प्लेयर्स यहाँ पे शॉट लेते उनको डैमेज हील पे खेल रहे थे तो डैमेज भी काफी ज्यादा लगे बस जिस तरीके से लास्ट फेज में उन्होंने क्लोजिंग डाला फोर्किंग की टीम के ऊपर जो कि यहाँ पे फ्यूचर स्टेशन की टीम थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा इस फाइट का एंड उसने काफी ज्यादा डिपेंड किया जो चिकन डिनर था वो किस तरीके से इनकी टीम को मिला रौनक एंड एफएसके प्लेयर जो बोप डॉट गमला बॉय एंड वीएसटी पुकार खेल रहे थे बाकी अगर मैं बात करूं क्रॉल की तरफ से बहुत अच्छी फाइट देखने के मिली स्पेशल एचबी की बात करते उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे फाइट इनिशिएट करी काफी ज्यादा किल्स अपने नाम करने का ट्राई किया उन्होंने तो वो भी उनकी तरफ से काफी अच्छा फैक्टर देखने को मिलेगा 3 मैचेस है अभी पहला मैच हुआ अभी अगला मिरामार होगा उसके बाद फिर एक मैप होगा तो वी विल बैक आउट ऑफ शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एनीवेयर जस्ट प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड एक्सॉम की जो स्लॉट है वो मेरे को बता देना चैट में मैं नेक्स्ट मैच में एक्सॉम को दिखा दूंगा क्योंकि मेरे को एक्सॉम का स्लॉट नहीं पता था उसके लिए सॉरी बट वी विल बैक आउट ऑफ शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एनीवेयर जस्ट प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन गाइस जल्दी से प्रेस कर दो क्वालिटी मेरे को तो नहीं लग रहा था कहीं से कि खराब है बट अगर आप लोग को लग रहा हो तो एक बार चैट सेक्शन में बता देना कौन सी सही होगी वो मैं सेट कर दूंगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई मेरे को नहीं लग रहा था कि क्वालिटी कैसे कम थी ओके सो वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक जस्ट प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. ओके गाइस, तो जैसा मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने सेकंड मैच के साथ वापस आ जाएंगे, और वही हुआ, हम लोग अपने सेकंड मैच के साथ वापस आ चुके हैं। जिस तरीके का पहला मैच देखने को मिला था, अगर ऐसे ही सारे मैच जाएंगे तो जो परफॉर्मेंस है वो तो एक अलग लेवल की देखने को मिलने वाली है। एंड अब अगर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सीधे आपको मैच की बात बताता हूँ, तो दिस इज गोना बी मिरामार मैच। एंड मिरामार का मैप आप लोग को भी पता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलती है लास्ट सर्कल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन मैप होता है। जब इस तरीके के ओपन मैप्स की फाइट देखने को मिलती है, जो जो रोटेशन होती है वो काफ़ी अर्ली लेनी पड़ती है टीम्स को, ज़्यादा होल्ड करके भी काफी टीम्स खेलती, हील बैटल देखने को मिलते। बट एक चीज है, जिन टीम्स का पहला मैच खराब गया था वो ऑब्वियसली अपना सेकंड मैच यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगी। एंड तो देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे बनता है टीम्स के लिए। ऑब्वियसली प्लेयर्स ने यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है रूम, तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहेगी पूरी पूरी टीम के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे रूम के अंदर। प्लेयर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, आप इंजॉय करिए सॉन्ग्स को, उसके बाद मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा मैप व्यू, उसके बाद हम लोग मिलेंगे सीधे मैप के मैच के एंड पे। ठीक है, एंड पे मिलेंगे, उसके लिए तब तक आप लोग वेट करिए एंड आप तब तक ये इंजॉय करिए। Thank you.
ओके गाइस, तो कैसे हो यार, एक बार फिर से सबका वेलकम हो चुका है अपने आज के सेकंड मैच में, जो कि यहाँ पे मिरामार का मैप एंड कासाटेक्स में नहीं गया हूँ मैं सीधे, आपसे लास्ट में मिलूंगा कासाटेक्स। यहाँ पे प्लेयर्स की बात करते हैं, मिस्टिक्स के प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पूरी पूरी लॉबी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे थोड़ी देर में आपको जो मैप व्यू है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड अप हियर वी गो फॉर द मैप व्यू गाइस एंड जल्दी चलते हैं हम लोग मैप व्यू की तरफ। ओके सो लाइक यहाँ पे प्लेन पाथ की बात करेंगे, जिस तरीके का यहाँ पे प्लेन पाथ देखने को मिल रहा है बहुत ही ज्यादा, मतलब सेंटर से होके जा रहा है प्लेन पाथ, तो सेंटर के हल्का राइट जरिए यहाँ पे टीम्स लॉस लियोन है, एल पोजो, मॉन्योवो, पावरग्रिड, पिकाडो, ग्रेवियार, सैन मार्टी, जनकियार्ड, मिनास का जो एरिया है यहाँ पे, पेट्रॉन, वाटर रीट, मैक्रेस डेवेल, एल हजार एंड यहाँ पे इम्पाला हो गया, लॉसिगॉस हो गया, चुम्मा सेरा हो गया, तो ये सब जो ड्रॉप है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टीम जो है वो यहाँ पे जंप करती हुई दिखेंगी एंड लाइक जो फाइट है वो थोड़ी सी कह सकते हो होल्ड होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीम्स यहाँ पे लेफ्ट सडन एरिया से जाएंगे, लाइक पिकाडो, सैन मार्टिन, जंकयार्ड, एल हजार, वाटर ट्रीटमेंट, क्रेस वैले, एलपोजो, क्रिटर फील्ड, लेकोबेरिया, ये सब जो ड्रॉप है टीम्स यहाँ पे जाना पसंद करने वाली हैं। नीचे की तरफ थोड़ी कम टीम जाएंगी, एक ही दो टीम जाएंगी जो कि चुम्मा सेरा जाएंगी, यहाँ पे प्योटो पैरिसो जाएगी, लाइक प्योटो पैरिसो में एमजी टीम जाना पसंद करती है, इम्पाला में एक टीम जाती हुई दिख सकती है, वो देखने वाली बात है कौन सी टीम यहाँ पे जाएगी एंड मिनास ग्रेनियार ग्रेवयार्ड में एक टीम जाती हुई दिखेगी, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे कंपाउंड है, यहाँ पे आपको स्प्लिटेड लूट करनी पड़ती है, तो टीम्स के अंदर जिस टीम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो टीम्स इन कंपाउंड्स को प्रीफर करती है, तो वो भी यहाँ पे सबसे देखने वाली बात रहेगी टीम्स के अकॉर्डिंगली, लाइक किस तरीके से बाकी की टीम्स यहाँ पे खेलती हुई दिखेंगी एंड यहाँ पे वॉकआउट बॉप। ओके भाई, वॉकआउट्स ओपी एंड यहाँ पे गाइस जो लाइक एम है वो है हैंग्रेड लाइक्स का, तो लाइक्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कास्टिंग के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा एंड क्वालिटी के बारे में भी ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब मैच के अंदर एंड देखते हैं क्या सिनेरियो, कहाँ पे कौन सी टीम ने यहाँ पे फाइनली जो जंप है वो लिया है। यहाँ पे मिस्टिक्स के प्लेयर्स यहाँ पे देखने वाले हैं, मिस्टिक्स यहाँ पे साइरस वाइटी देखने को मिले, कंपाउंड्स इनको ऑब्वियसली अर्ली स्टेजेस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लूट करते दिखेंगे, उनके साथ यहाँ पे एमवाईएम के इमॉर्टल है ये भी यहाँ पे लूट करेंगे, सेंसे भी जस्ट ड्रॉप आउट करते हुए दिखेंगे, सेंसे भी यहाँ पे लूट अप करते हुए दिखेंगे, भाई इनके क्लोज में एक डिसएडवांटेज है, आरआईपी की सुनामी ने अर्ली स्टेज में किल जरूर निकाला है बट टीम 11 इनके काफी ज्यादा क्लोज में उतरती हुई दिख रही है, जो कि यहाँ पे आईएनएस के नूब है एंड यहाँ पे दो टीम्स की अब अगर इतने ओपन एरियाज में फाइट देखने को मिलेगी जो कि लॉस लियोनस के एरियाज है तो काफी ज्यादा मैटर करेगा, बट आरआईपी के टेम्पेस्ट जिस तरीके से खेल रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि आरआईपी इस मैच को भी पीछे छोड़ने वाली है, क्योंकि पिछला मैच भले ही थोड़ा सा इनका खराब गया था बट इस मैच को अपना स्ट्रांग करेंगे, पिछला मैच भी इनका खराब जाता नहीं अगर अर्ली रोटेशन डाल देते, बट काफी लेट रोटेशन डाली गई थी आरआईपी की तरफ से, दैट्स व्हाई जोन की जो डैमेज थी वो इन्होंने काफी ज्यादा डील अप करी थी एंड तीन किल्स निकाल चुके हैं यहां पे आरआईपी के प्लेयर्स इतने अर्ली स्टेजेस में, तो वो इनके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा, भले ही सुनामी ने दो क्यों ना निकाले हो एंड आरआईपी के टेम्पेस्ट ने भी यहाँ पे एक किल निकाला था, ईटीए के ओपी को यहाँ पे डाउन किया था, यहाँ पे पान सिंह ने यहाँ पे ले लिया फाइट एंड वीएसटी के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया गया है, तो वीएसटी के पुकार को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया, बहुत ही अर्ली स्टेज में फाइट आई है, तो देखते हैं पान सिंह की तरफ से क्या सिनेरियो होता है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली हाइप के नॉट और कॉन्टिंग के साथ खेले। ओके तो गमला बॉय यहाँ पे इनके प्लस को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, तो फ्यूचर स्टेशन की तरफ से एक फाइट आ रही है, यहाँ पे बहुत ही प्यारी कवर फायर दी गई यहाँ पे आरपीजी के अवतार की तरफ से, जो कि यहाँ पे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मिनी 14 एंड M116 थी एंड पान सिंह को रिवाइवल देना जरूर चाहेंगे बट आई डोंट थिंक तो रिवाइवल पॉसिबल है, रौनक भी आप क्लोज इन कर चुके हैं, रौनक के पास थॉमसन जरूर देखने को मिल रही है, दो प्लेयर इनके भी यहाँ पे डाउन है एंड टीम फाइव के प्लस को भी रिवाइवल मिल चुका है, वॉकआउट के प्लेयर्स भी यहाँ पे फाइट ले रहे हैं, मैक्सी वो यहाँ पे फाइट लेंगे यहाँ पे क्लोज इन एंड इजिली रिवाइवल पॉसिबल हो जाता है इनकी तरफ से, तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो गलती देखने को मिली, अदरवाइज यहाँ पे अब तक पुकार का रिवाइवल हो जाता बट कोई नहीं, प्लेयर्स अपने माइंडसेट के साथ खेलते हैं, लेफ्ट साइड से एक फ्लैंक जरूर आता हुआ दिखेगा एंड दो प्लेयर बचे, बोपडोप वाइटी भी यहाँ पे रिवाइवल के लिए जा सकते हैं, रौनक की तरफ से वापस से पूरी फाइट आएगी, रौनक थोड़ा सा अपनी जो गन है उसको रिलोड करते हुए दिखेंगे एंड उसके बाद इस प्लेयर का जो क्लोजिंग है वो वापस से देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लेयर्स की हेल्थ बहुत लो है, लाइक वीएससी पुकार एंड एफएस की गमला बॉय की बात करें तो उनके पास एक हेल्थ किट जरूर है गमला के पास, वो यहाँ पे जरूर गमला बॉय यहाँ पे अपने आपको बूस्ट अप करते हुए दिखेंगे, उसके बाद जो वापस से फाइट है, फोर किंग को दिखाओ, फोर किंग को दिखाओ, फोर किंग को दिखाओ, फोर किंग को दिखाओ, ओ ये लो भाई फोर किंग को दिखा दे रहे यार, इतने इसमें रिक्वेस्ट वाली क्या बात है भाई, आपकी टीम है मैं लेके थोड़ा ना कहीं भाग रहा हूं, आपकी फोर किंग, 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 ये लो भाई फोर किंग के यहाँ पे गुरु एफटीडब्ल्यू देखने को मिल रहे हैं। हाँ पावर हाउस की बात करते हैं जो कि वाईबी की थी, वाईबी के साहिल है यहाँ पे, मॉर्फियस है यहाँ पे, पावर हाउस है, जीरो किल के पावर हाउस है, वेल की यहाँ पे बात करते हैं फेथलेस यहाँ पे जरूर एग्जिट ले चुके हैं, टीम 17 के प्लेयर्स की तरफ से जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारी व्हीकल की जो स्किन है वो इनके पास देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे रिलोड थोड़ा सा राइट हो गया तो ये यहाँ पे निकाला इन्होंने अपना व्हीकल एंड बहुत ही मतलब अंधा पैसा जो है वो यहाँ पे बर्बाद किया गया इनकी तरफ से,
तो वो भी यहाँ पे देखने को मिला। तो दोस्त आर न्यू इन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल गाइस एंड हियर वी गो फॉर एंड टॉक अबाउट यू नो 70 विद दिस फोर किंग। फोर किंग गॉट एफएफ प्लेइंग विद फोर मैन स्क्वाड राइट नाउ एंड विदाउट जीरो किल्स। इनके पास अभी कुछ खास किल्स है नहीं। कास्टर जॉर्ड ऑफ व्हाट सरकार भाई, अरे भाई थैंक यू सो मच। गुरु भाई ओपी ओपी थैंक यू भाई। सरकार भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। डेल्टा पीजी को दिखाओ, वेट अ मिनट फॉर डेल्टा पीजी ब्रो। एंड या वी विल बी टॉक अबाउट टीम नंबर 16 व्हिच इज टीम आईएनएस ह्यूमनॉइड प्लेइंग विद जीरो किल्स आईएनएस डेथ नोट एंड एएलएमटी हैकर वे आल्सो प्लेइंग एंड नाउ वी हैव लास्ट 19 विद 72 प्लेयर्स एंड वी विल सी व्हाट वाज द टोटल सिनेरियो कमिंग फ्रॉम लास्ट 19 टीम्स एंड वी विल टॉक अबाउट द मैप व्यू विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हियर इज द मैप व्यू एंड या वी विल टॉक अबाउट द मैप व्यू। देखने को मिल रहा है यहां पे लेफ्ट साइड एरियाज लाइक एल्पोजो का जो एरिया है वहां पे काफी टीम्स यहां पे होल्ड करते हुए दिख रही। थोड़ा सा यहां पे जूम की तरफ जाते तो लाइक एल्पोजो में यहां पे एफएस की टीम एंड हाइप के नॉट और कंटेंट की काफी क्लोज रेंज फाइट देखने को मिल सकती है। इफ वी टॉक अबाउट सम अदर टीम्स लाइक ओजी हेक्स रॉयल दे विल आल्सो टेक अ फाइट विद टीम नंबर वोपडोप एंड एफएस जो कि टीम नंबर 1 एंड 3 है। तो वो नहीं 3 एंड 5 है तो वो देखने को बड़ा। आरआईपी की टीम भी काफी ज्यादा क्लोज है, राइट साइड में टीम होल्ड करती हुई दिख रही। तो मतलब जो मैप है वो काफी ज्यादा ओपन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आई ऑलवेज कम टू वॉच यू, अरे थैंक यू सो मच भाई। एंड वापस से चलते हैं यहां पे आईएनएस की ह्यूमनॉइड अभी के लिए थोड़ा सा ऑफलाइन है, बाकी प्लेयर्स की तरह के रीलोड यहां पे मूव कर रहे हैं। प्लीज प्रोवाइड हिम माई वॉर्म विशेस टू विन द गेम। ओके वॉर्म विशेस भाई आपको मिले किनकी, तरनप्रीत कौर की, ताकि आप ऑलवेज जीते हैं। डेल्टा पीजी, डेल्टा पीजी का स्लॉट बता दो भाई तो ईजी होता है। स्लॉट लिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी भाई, आप चेक करिए। मैं तो देख नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं कास्ट कर रहा हूँ तो थोड़े से इश्यूज होते हैं। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। तो डेल्टा पीजी की तरफ दिखा देते हैं क्योंकि पान सिंह की टीम है, पान सिंह ने पिछला मैच काफी अच्छा खेला था। इस मैच में टीम एक्सॉम को दिखाओ भाई, तुम तो टीम एक्सॉम यार, रुक जाओ टीम एक्सॉम को पहले दिखा दे तुम्हारी। क्वालिफाइड क्वालिफाइड फिनटॉक्स फिनटॉक्स लाइव क्राफ्ट क्रॉल ओजी एक्सॉम नहीं है भाई जहां तक, अगर है तो प्लीज उसका एक बार स्लॉट बता दीजिए भाई, हमको भी T1 में रजिस्ट्रेशन करना है। टीम कैसे करें भाई, प्लेयर्स ढूंढिए, ट्राई करिए जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स हो, क्योंकि अगर फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो आप अगर उनको कल को कुछ बोल भी दोगे तो आपका लाइनअप डिसबैंड नहीं होगा। अदरवाइज आप ऐसे स्प्लिटेड प्लेयर्स को लोगे, फिर कल को आप उनसे कुछ गलती हो जाए, आप कुछ बोल दोगे तो वो कहेंगे भाई मैं जा रहा छोड़ के, तो फिर आप अकेले हो जाओगे, तो आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। वैसे पुकार जरूर यहाँ पे मूव कर रहे हैं जो कि यहाँ पे टीम नंबर 13 की टीम है। एंड वी विल सी अगेन टू से कमिंग टीम नंबर 13। एमजीजेड को दिखाओ, टीम एमजीजेड को भी हम लोग दिखा देंगे भाई अभी के लिए, क्योंकि टीम एमजीजेड की कोई खास फाइट यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है फिलहाल के लिए। इनका इरेंगल का मैप थोड़ा सा खराब चला गया था तो वो इनके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा इस मैच की फाइट्स के लिए। रौनक यहाँ पे जरूर मूव करते हुए दिख रहे हैं अपनी टीम से। जी के डायरेस यहाँ पे कंटेनर से लूट अप करते हुए दिखेंगे। TMPS के टी के सिंचैन जीरो कल के साथ मूव करेंगे। गाइस वन मोर टाइम आई एम आस्किंग टू यू, एनी इश्यूज फ्रॉम क्वालिटी, क्या क्वालिटी में कोई खराबी है, क्वालिटी लो दिख रही है, कुछ भी हो आप बता सकते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो क्वालिटी है वो मैंने HD एक्सट्रीम चला रखी है, बिटरेट भी मेरा 8000 प्लस है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि क्वालिटी में कोई कहीं से भी कोई इश्यूज होगा। अगर आप लोग के पास लो है तो 1080p में करके देखिए, कोई लैग और कोई भी क्वालिटी नहीं दिखेगी भाई। हम अपना पुलिस कॉल से रजिस्ट्रेशन करेंगे भाई। गुरु ओपी आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, ई स्पोर्ट्स एम्पायर का इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सब कुछ प्रोवाइड किया गया, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ई स्पोर्ट्स एम्पायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गेमिंग कम्युनिटी में जो कि अंडर डॉग्स को मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता रहता है। उसके लिए बस उनको फॉलो लाइक शेयर करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल फॉर लाइक से सब्सक्राइब प्रेस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अपकमिंग इवेंट एंड अपकमिंग न्यूज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल फॉर एंड डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें सब कुछ दिया गया, इंस्टा ट्विटर और डिस्कॉर्ड, तो वहां से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ई-स्पोर्ट्स एम्पायर के किसी भी अपकमिंग इवेंट में एंड टूर्नामेंट में, वहां से आपको काफी ज्यादा चांस मिलेंगे। तो देखिए आप लोग के ऊपर है, यहाँ पे बाकी टीम्स की तरफ चलेंगे तो अभी के लिए कोई फाइट देखने को मिल नहीं रही। बट RIP की बात करते हैं, RIP के एक्वा नॉक जरूर यहाँ पे जीरो किल्स के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम के बाकी प्लेयर्स हैं, ST के प्लेयर्स हैं। बट व्हाट आई एम आस्किंग गाइस, एनी इश्यूज रिलेटेड क्वालिटी प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन, एनी इश्यूज रिलेटेड क्वालिटी। निंजा जॉर्ड यहाँ पे अभी भी अकेले प्लेयर होल्ड कर रहे हैं, स्कार इनके पास देखने को मिलेगी, थोड़ा सा लूट अप करते हुए दिखेंगे इन एरियाज में। एंड वापस जो रोटेशन है वो इनकी टीम से आती हुई दिखेगी, एंड देखते हैं क्या यहाँ पे गेम जो है वो यहाँ पे इनके लिए स्ट्रांग होता है कि नहीं होता, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है इस टीम के लिए। क्योंकि पिछला मैच ऑब्वियसली बहुत अर्ली एग्जिट होता है, आई थिंक पहली या दूसरी टीम थी जो एग्जिट ले गई थी पिछले मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो फाइट थी वो यहाँ पे देखने को मिली थी
जॉर्जो सिटी के कंपाउंड्स में जहाँ पे ऑलरेडी एक और टीम ने जंप किया था, वॉकआउट्स ने भी वहीं पे जंप किया था, तो वो भी काफी ज्यादा मैटर कर रहा था इनकी फाइट के लिए। बट इस बार क्या, इस बार थोड़ा सा होल्ड करके खेल सकते हो, क्योंकि अभी भी 19 नहीं, 72 प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। एंड विल टॉक अबाउट टीम नंबर 9 विच इज वॉकआउट। वॉकआउट का पिछले मैच में एलिमिनेशन हो गया था क्योंकि फर्स्ट चुके थे, पहले स्प्रे डाउन हुए थे, फिर यहाँ पे बाबा डाउन हुए थे, एंड आरआईपी के प्लेयर्स ने यहाँ पे किया एक प्लेयर को डाउन जो कि थे पान सिंह। एंड आर आई पी के एटलेस वापस से पान सिंह का किल सिक्योर करेंगे। अब टेम्पेस्ट यहाँ पे अपनी टीम से थोड़ा ज्यादा दूर है, नेटलेस ने यहाँ पे अकेले फाइट ली थी आई थिंक, एंड एटलेस ने एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन भी किया था, बट एटलेस अब यहाँ के लिए नॉक हो चुके हैं। एंड देखते हैं व्हाट वाज द सिनेरियो कमिंग फ्रॉम टीम आर आई पी, क्योंकि टेम्पेस्ट को भी यहाँ पे क्लोजिंग डालना पड़ेगा। रौनक एंड रौनक नहीं है ऑब्वियसली, निकलॉस है, वो यहाँ पे क्लोजिंग जरूर डाल रहे हैं बक्की के साथ, तो उनकी तरफ से जो एक रोटेशन है वो देखने को मिलेगी गाइज। एंड कैन वी टच 50+ वॉचिंग, ऑब्वियसली हम लोग टच कर सकते हैं अगर आप लोग सिक्योर करोगे। तो पेन ने यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स का यहाँ पे नॉक निकाला है, तो चलते हैं यहाँ पे पेन की तरफ, क्योंकि एक्सिस होकर लाइफ क्राफ्ट का सिंचैन को यहाँ पे नॉक भी नहीं किया गया, किल सिक्योर किया गया है डायरेक्टली। अब यहाँ पे इजिली सुनामी यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे लिया जाएगा शॉट, आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट के ऊपर लेजर स्पेस लिटरली शॉट कनेक्ट किए गए, एंड ये चांस अगर मिस आउट करते हैं, आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट को काफी ज्यादा लो ऑन हेल्थ किया गया, बट नहीं निकाल पाए सुनामी कोई भी नॉक डाउन। एंड अब सुनामी को यहाँ पे जरूर कवर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज सुनामी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस फाइट को आगे इनिशिएट करने में। बट जिस तरीके से लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स के साथ फाइट हुई थी, मैडमैन जरूर यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट मयंग के साथ क्लोजिंग डाले, 3-man स्क्वाड खेलते हुए दिख रहा है। सिंचैन का अर्ली एग्जिट जरूर हो चुका है, तो वो भी उनकी टीम को काफी ज्यादा मैटर करेगा, बट अभी के लिए कंपाउंड होल्ड करना चाहेंगे। वैन यहाँ पे उठाएंगे, वैन एक अच्छा यहाँ पे व्हीकल है मीरा मार के मैप में स्पेशली, एंड अब टू मैन स्क्वाड जो है वो अपनी फाइट को आगे स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट एक जो फाइट यहाँ पे चल रही थी हाइप के नॉट योर कॉन्टेंट एंड जो कि कह सकते हो अरपित सवितार एंड डेल्टा पीजी के साथ, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। कास्टर थैंक यू सो मच, तनप्रीत कौर अरे थैंक यू सो मच तनप्रीत कौर, एंड इफ यू टॉक अबाउट हाइप नॉट योर कॉन्टेंट प्लेइंग विद जीरो किल्स, अरपित सविता प्लेइंग विद जीरो किल्स, डेल्टा पीजी प्लेइंग विद जीरो किल्स, दे विल सी अ ग्रेट फाइट कमिंग फ्रॉम टीम नंबर 11 एंड विल सी अ ग्रेट होल्डिंग कमिंग फ्रॉम टीम नंबर 5। मतलब अभी के लिए एक अच्छी खासी यहाँ पे डिप पकड़ के रखी है इन्होंने, एंड आई डोंट थिंक सो डिप को यहाँ पे मिस आउट करना चाहेंगे, क्योंकि डिप पे चढ़ना इतना ज्यादा ईजी नहीं है, कोई भी टीम अगर डिप पे चढ़ने की कोशिश भी करेगी तो उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एंड टीम 5 के प्लेयर्स को ऑब्वियसली व्हीकल साउंड आ जाएंगे, एंड उसके बाद वो जो क्लोजिंग है वो जरूर यहाँ पे करते हुए दिख सकते हैं। एंड इफ यू विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विल टॉक अबाउट टीम नंबर 21 विच इज जोएन टीन है, जोएन के यहाँ पे कोजा देखने को मिल रहे हैं, ZWN के जैकी की बात करते हैं, जैकी के यहाँ पे बाकी प्लेयर्स अपनी टीम से काफी ज्यादा स्प्लिटेड, उनके पास कंपाउंड जरूर देखने को मिलेंगे। एंड बाकी प्लेयर्स अगर आप बात करते हैं तो एक यहाँ पे थोरेक्स यहाँ पे यूज करते हुए दिखेंगे, इसी की मैंने बात करी थी, इनके जस्ट सामने यहाँ पे पान सिंह की टीम होल्ड करी है जो कि हाइप के नॉट और कॉन्टेंट जो बाकी प्लेयर्स है लाइक उनके साथ भी जो फाइट है वो यहाँ पे प्लेयर्स लेते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे टोटल इस फाइट का निकल के आता है, एंड यहाँ पे हाइप के नॉट योर कॉन्टेंट अभी भी इस फाइट को इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोन जरूर है प्लेयर्स, एंड अभी भी कोई क्लोज फाइट देखने को मिल नहीं रही है फिलहाल के लिए हम लोगों को, तो वो भी काफी ज्यादा मैटर करेगा इस फाइट में। ये देखते हैं गाइस क्या टोटल सिनेरियो अभी निकल के आता है। ओके, तो जैकी के प्लेयर्स ने यहाँ पे शॉट कनेक्ट किए थे, एंड जैकी के प्लेयर्स ने यहाँ पे नॉकडाउन भी निकाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल टॉक अबाउट टीम ZEKKY। ओके, वेयर इज टीम ZEKKY, हियर इज टीम नंबर 21। एक अच्छी डिप इनके पास भी देखने को मिल रही है, इस डिप से भी काफी अच्छे शॉट जो है। हॉर्नेट फियर गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, हॉर्नेट फियर गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, अरे नो नीड गाइज, आप लोग ई स्पोर्ट्स एम्पायर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसको डिलीट कर दो। एंड यहाँ पे वापस से टीम नंबर 15 के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे शॉट कनेक्ट किया जा सकते हैं जो कि एक अच्छी कवर में होल्ड कर रहे हैं। SLR देखने को मिल रही है, टीम 15 के दो प्लेयर्स अलग कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं, दो प्लेयर्स अलग कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं। अभी के लिए ये सिनेरियो ठीक है अगर कोई टीम नीचे से क्लोजिंग नहीं डालती, क्योंकि इनके पास हाई रीज है जैकी के पास, तो वो ऑब्वियसली क्लोजिंग डालेंगे नहीं। एंड MZZ की बात करें तो कि मार्कोस है, उनकी तरफ से एक फाइट जरूर देखने को मिल रही है, एंड एक किल जरूर रौनक ने निकाला है, पुकार ने यहाँ पे फेक को डाउन कर दिया, रौनक का क्लोजिंग जरूर देखने को मिला। रौनक ने यहाँ पे M4 विथ रेड डॉट यहाँ पे शॉट जरूर ट्राई किया था, ZD के डायरेस को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है। एंड अगर बात करते हैं TMPS के टीके सिंचैन, इनका भी क्लोजिंग जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टीम 11 के प्लेयर्स को काफी ज्यादा लो ऑन हेल्थ किया गया है, नॉन हेल्थ ही नहीं गया, नॉक भी किया गया है। एंड क्रॉल के HB एक बार फिर से अग्रेसिव गेम प्ले के साथ खेलते हुए देखेंगे, एंड वी विल सी अ ग्रेट रोटेशन कमिंग फ्रॉम टीम नंबर 11 प्लेयर विच इज क्रॉल HB एंड पेन, लास्ट टू मैन सर्वाइविंग। XSS गेमिंग इसको रिवाइवल जरूर देना चाहेगा। VST के पुकार ने यहाँ पे हेक्स के प्लेयर्स को डाउन किया, बॉम्बर को नॉक इन किल सिक्योर भी किया गया है, एंड VST ने यहाँ पे फेक के प्लेयर्स को एग्जिट किया, FS यहाँ पे OG डार्क को एग्जिट करेंगे, गमला बॉय यहाँ पे हेक्स के रॉयल को एग्जिट करते हुए दिखेंगे, एंड प्लेजोन से यहाँ पे XSS गेमिंग भी एग्जिट ले चुके हैं। यहाँ पे इनके ऊपर क्लोजिंग आएगा, यहाँ पे इनको पोजिशन आ चुकी, इजिली स्पॉट कर सकते हैं रेड डॉट के साथ, एंड यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फ्लैंक आया एंड नॉक भी किया
आ गया है, रौनक अकेले प्लेयर बचे टीम 4 के, एंड आई डोंट थिंक तो रौनक इस फाइट को निकालने वाले हैं। एंड यहां पे किया जाएगा क्रॉल के एचपी के थ्रू, एक बहुत ही बढ़िया फाइट का जो इनिशिएशन कहते हो वो देखने को मिला, एंड बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इस फाइट को अकेले क्रॉल एचपी ने निकाला। पिछला मैच भी क्रॉल एचपी बहुत ही अच्छे तरीके से खेले थे, इस बार भी क्रॉल एचपी बहुत ही अच्छी तरीके से खेले, एंड जिस तरीके से इनकी टीम हेक्स के साथ जो फाइट चल रही थी वीएसटी के, डेल्टा पीजी लव व्हाई नॉट, एंड जिस तरीके से यहाँ पे वीएसटी के पुकार खेल रहे थे, लग ही रहा था कि एक और टीम का एग्जिट करने वाले हैं। दो किल जरूर निकाले, दो किल गमला बॉय निकाले, दो भी प्लेयर्स ने यहाँ पे दो टीम का एग्जिट कर, एक टीम का एग्जिट कर दिया। चार किल अपने नाम करने जो कि टीम हैक्स थी, एंड चार किल जो है वो इनको मिल चुके हैं, 17 टीम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आई लव यू डेल्टा पी जी, एंड जो दो टीम्स का एग्जिट यहाँ पे देखने को मिला था, वो दो टीम्स की अगर मैं बात करता हूँ, गुरु को दिखाओ, वो दो टीम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो थी यहाँ पे MZZ की टीम एंड सेकंड टीम यहाँ पे हैक्स। दोनों बहुत बढ़िया टीम थी, बट ऑब्वियसली अकेला प्लेयर रौनक बचा था, रौनक के लिए अकेले इस फाइट को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो ऑब्वियसली वो जो एग्जिट था वो यहाँ पे डिलप किया गया। बट फाइट जो थी वो काफी तरीके से इनिशिएट हुई थी। इफ यू टॉक अबाउट फोर किंग गुरु FTW, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम एक अच्छा यहाँ पे कंपाउंड देखने के यहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे, बट यहाँ पे मीरामार का मैप है तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेयर्स यहाँ पे पसंद करते हैं ड्यू टू रिच टू रिच खेलना, क्योंकि देखो रिच और डिप पे आप क्या करते हो, आपके पास स्किल्स निकालने के जो एडवांटेज होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाते हैं। RIP की बात करते हैं तो एक्वानॉक्स ने यहाँ पे एक नॉक निकाला जरूर था, जो कि यहाँ पे टीम नंबर 8 की फाइट हुई थी, यहाँ पे एक्वानॉक्स यहाँ पे नॉक किया गया, इमॉर्टल को यहाँ पे नॉक किया गया, पावर हाउस को भी यहाँ पे नॉक किया गया है, एंड रॉबिन की तरफ से क्लोजिंग आएगा। मिस्टिक्स के सेंसे ही यहाँ पे जरूर होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, लास्ट के दो प्लेयर बचे मिस्टिक्स की जो टीम है यहाँ पे साइरस वाइटी एंड सेंसे ही, क्योंकि MYM के बाकी प्लेयर्स का एग्जिट जरूर आ चुका है यहाँ पे स्मोक वॉल्स पे उड़कर, साइरस भी यहाँ पे नॉक है, तो इसका मतलब क्लियरली साफ है कि अकेला प्लेयर बचा है सेंसे ही, एंड फोर किंग ने यहाँ पे जैकी के प्लेयर्स को डाउन किया। सेंसे ही यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए जरूर खेल सकता है। ऑलरेडी डन सब्सक्राइब एंड लाइक, ओ थैंक यू सो मच तरनप्रीत कौर। एंड यहाँ पे बात करते सेंसे ही एक अलग फ्लैंक मारते हुए दिख रहे हैं, तो ये फ्लैंक देखते हैं कितना ज़्यादा उनके लिए इजी रहेगा, क्योंकि साइरस का किल यहाँ पे ले लिया जाएगा, एंड LMT के प्लेयर्स ने किल स्टील किया है, और इनकी भी पोजीशन इजीली स्पॉटेड है। यहाँ पे गलती कर रहे हैं बग्गी है, ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली डैमेज लेंगे, बट अकेले प्लेयर है थोड़ा सा सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए भी खेलना चाहेंगे, फाइट के लिए भी जा सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ईजी होने नहीं वाला इनके लिए, तो वो भी एक सीनैरियो देखना पड़ेगा किस तरीके से अभी लास्ट प्लेयर अपनी टीम के लिए यहाँ पे खेलता है। ओके, तो BTF जय ने यहाँ पे गॉड एक्स से सक्षम को यहाँ पे डाउन कर दिया है, एंड मैं इसी फाइट की बात कर रहा था कि अकेला प्लेयर मतलब दो दो प्लेयर स्प्लिट खेल रहे थे गॉड्स की टीम जो की है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा इनको मैटर करेगी। एंड चलते हैं इनकी टीम BTF की तरफ, BTF के जय ने एक नॉक निकाला बट अभी के लिए ये यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, एंड फोर किंग की तरफ से वापस फाइट देखने को मिले। फोर किंग के गुरु की बात करते हैं, इनकी तरफ से डायरेक्टली क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है, TP भी जरूर लेंगे टीम 15 के प्लेयर्स के साथ एक फाइट देखने को मिल रही, तो वी विल सी अ ग्रेट फाइट कमिंग फ्रॉम टीम 17 19 15। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल टीम है फाइट के लिए, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली मैटर करेगा। टीम 15 के प्लेयर्स के पास एक अच्छा यहाँ पे स्टेयर्स का कवर देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखेंगे, एंड यहाँ पे ग्रेनेड गया था कनेक्ट नहीं किया, बट इनके ऊपर अपर रीजन से काफ़ी अच्छे शॉट आते हुए दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे टीम नंबर 21 की टीम है वो यहाँ पे लेते हुए दिख रही है, एंड यहाँ पे किया गया था एक ग्रेनेड यहाँ पे बट ओके, तो डैमेज जरूर दिया गया है, एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा गुरु की तरफ से डायरेक्टली क्लोजिंग। ओके, तो फाइनली यहाँ पे ग्रेनेड वापस से कुक कर चुके हैं, यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करेंगे, अरबार ने यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन कर दिया टेक्टिकल के, एंड बहुत ही प्यार तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली क्लोजिंग आ चुका है, अकेला प्लेयर होल्ड कर रहा है, डिफिकल्ट होने वाला है उसके लिए, एंड ओके, तो फाइनली जो फाइट थी वो यहाँ पे कभी भी खत्म होते हुए दिख सकती है, अकेला प्लेयर बचा था यहाँ पे। ओके, तो अब टीम ना 15 की टीम आती हुई दिख रही है पूरी, तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से। ओके, थोड़ा सा काफी ज्यादा दूर होल्ड कर रहे हैं टीम 15 के प्लेयर्स, टीम 21 के प्लेयर्स को यहाँ पे जरूर स्पॉट कर सकते हैं, मिनी 14 से, एंड यहाँ पे स्पॉट किया था उनको लगा कोई खाली व्हीकल है, बट नहीं, वहाँ पे एक प्लेयर होल्ड कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा फोर किंग की टीम अब किस तरीके से। कास्टर, आपकी फेवरेट टीम, जो आपकी फेवरेट टीम है तरनप्रीत कौर भाई, हमारी फेवरेट टीम है, वापिस लिया जाएगा शॉट यहाँ पे क्रॉल के, यहाँ पे फिरो ने निकाला एक नॉकडाउन, एंड बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्रॉल के प्लेयर्स खेल रहे हैं, मिनी 14 देखने को मिले। फोर्थिंग की बात करते हैं, गुरु FTW यहाँ पे वापस शॉट ले सकते हैं, एंड यहाँ पे वापस दिया जाएगा डाउन, यहाँ पे पोस्टमैन जो थे पोस्टमैनु गॉड एक्स यहाँ पे, एंड इनको मैंने देखा है स्नाइपर देखने, पीछे से भी यहाँ पे इनके ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं, मिस कर गए, अदरवाइज एक हेड कनेक्ट होता हुआ दिख सकता था इनके ऊपर, तो लाइक अब देखते हैं क्या सिनेरियो इनकी तरफ से टोटली निकलता है इस फाइट के लिए। यहाँ पे M24 के शॉट जरूर कनेक्ट करते हुए दिख रहा है, स्मोक वॉल्स भी किए जाएंगे यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए अपने आपको सर्वाइव करना चाहेंगे, बट आई थिंक यहाँ पे फंस चुके हैं। लाइक जिस तरीके से टीम 21 के पास जो रिज देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिज आ रही है, तो वो इस रिज का ऑब्वियसली यूज़ करना चाहेंगे, एंड उनको पता है उनके नीचे एक टीम होल्ड कर रही है, अगर उनको क्लोजिंग भी डालना पड़ेगा तो इनके बाकी जो प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्लिटेड है, तो उनके लिए कुछ खास यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं।
बट जिस तरीके से वॉकआउट्स के प्लेयर ने यहाँ पे नॉक निकाला है, तो वॉकआउट्स के प्लेयर तो अलग ही जोन में खेल रहे, क्योंकि उनका पिछला मैच काफी ज्यादा खराब गया था। एंड माइटी ने यहाँ पे आरएचजी के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया गया, तो माइटी भाई भी अपने जो कि टीम नंबर 12 के प्लेयर्स है वो भी यहाँ पे काफी। यू कैन कॉल मी तरन पीजी लॉल आई एम डेल्टा पीजी पार्टनर्स। ओ सॉरी तरन, अब वो आपका नाम ही इतना बड़ा था तो मैं क्या करूँ। एंड तरन मैं मतलब जो आपकी फेवरेट टीम है वही मेरी फेवरेट टीम है। माइटी की बात करेंगे, वो यहाँ पे एकेएम के साथ मूव करते हुए दिखेंगे, एक अच्छी फाइट उनकी तरफ से भी आते हुए दिखेगी। एंड यहाँ पे उनको फर्स्ट एड किट लगाते हुए दिखेंगे, माइटी की तरफ से यहाँ पे क्लोजिंग आते हुए दिखेगा। तो तरन आप क्यों नहीं खेल रहे हो इस मैच में? एंड वापस से यहाँ पे AWM के शॉट जरूर लिए जा सकते हैं। माइटी यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पे शॉट जो है वो इनिशिएट किए जाएंगे। जस्ट अपर रिजस से यहाँ पे शॉट आते हुए दिख रहे हैं, मैड मैन यहाँ पे होल्ड करेंगे। माइटी ने यहाँ पे वापस एक नॉक डाउन निकाला है। एंड माइटी AWM स्विच कर चुके, यहाँ पे किया था शॉट कनेक्ट एंड ह्यूमनॉइड का निकाला है नॉक। एंड इसी की मैं बात कर रहा था, अब जोन जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, तो काफी टीम को प्रॉब्लम जरूर डेवलप करनी पड़ेगी। एंड जो कि रस की टीम है वो काफी अच्छी तरीके से फाइट को किल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। एक्सोविक की बात करते हैं, एक्सोविक यहाँ पे मूव करते हुए दिखेंगे। एंड जस्ट के रीपर ओपी की बात करते हैं, उनकी यहाँ पे डैमेज काफी ज्यादा कनेक्ट हुए, नॉक आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सोविक को अब अपने आपको पहले हील अप करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे कवर में जाना चाहेंगे। एंड व्हीकल बक्की की ज्यादा स्प्रिट ना हो तो प्ले दी टीम 17 के एक प्लेयर का यहाँ पे किल सिक्योर किया था। उसके क्रेट को भी यहाँ पे लूट सकते हैं, बट उसके लिए जोन जाना पहली प्रियोरिटी, क्योंकि जोन ऑलरेडी मूव कर रहा है। हेल्थ किट इनके पास अच्छी खासी है ब्रो, मॉड बना दो, मैं एक्टिव रहता हूँ YT पे। फोर किंग गुरु ओपी अभिजीत कलुंगे, कॉन्टेक्ट टू स्पोर्ट्स एम्पायर। ओके तो यहाँ पे शॉट्स लिए गए, यहाँ पे नॉक हो सकते थे, व्हीकल कभी भी डाउन हो सकता था। डायरेक्टली क्लोजिंग डाला है टीम 16 के ऊपर यहाँ पे। एंड कवर में जाए लेंगे आप एक प्लेयर का शॉट यहाँ पे, तो ओके तो प्रोन स्प्रे के लिए गए थे, बट यहाँ पे देखते देखते पूरी की पूरी टीम इनकी अब एग्जिट होगी। एक गलत रोटेशन के चक्कर में हमने एक्सोवी का अकेले प्लेयर अपनी टीम से बचे हैं, एंड उनको भी जाना पड़ेगा यहाँ पे जोन में। एंड INS की तरफ से एक अच्छी फाइट देखने को मिली, INS को यहाँ पे फिल फ्री के किल्स देखने को मिले। एंड जस्ट एक्सोविक भी जो है वो भी यहाँ पे जोन से एग्जिट लेते हुए दिखेंगे। डेल्टा के पीजी यहाँ पे वापस से फाइट लेते, वॉकआउट ओपी मेरे भाई, मेरे को भी पता है वॉकआउट ओपी। एंड यहाँ पे डेल्टा पीजी के पास बिगार्डियन की कवर जरूर, यहाँ पे बिगार्डियन से जरूर निकलते हुए दिखेंगे। एंड हाइप के नॉट और कॉन्टेंट, डेल्टा पीजी को यहाँ पे रिवाइवल भी दिया जाएगा इजी, क्योंकि यहाँ पे ओके तो यहाँ पे रिवाइवल के लिए नहीं गए हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ओके, तो पहले अपनी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। एंड डेल्टा पीजी को रिवाइवल दिया जा सकता है, ओके तो डेल्टा पीजी नहीं, हाइप के नॉट और कॉन्टेंट थे आई थिंक। एंटी से टीम 6 ने यहाँ पे क्लोजिंग डाला है, टीम 6 के लिए भी फाइट, हाउ मेनी टीम्स लेफ्ट, देखती वॉकआउट ओपी 14 टीम्स अभी भी बची हैं। मैं अगर आपको जोन की बात बताता हूँ, जोन लाइक अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जोन यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा ओपन जोन है, एक भी कंपाउंड नहीं। ELMT एंड RXZ की जो टीम है वो यहाँ पे जरूर एक फाइट लेते हुए दिख रही, तो चलते हैं उस फाइट के ऊपर भी हम लोग। एंड हियर वी गो, जिस तरीके की यहाँ पे रोटेशन देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। इसके साइरेक्स से ज़ेनाइन है यहाँ पे, वापस यहाँ पे शॉट ले गए ग्रोजा के साथ। एंड यहाँ पे IM के नूब अब यहाँ पे काफी ज्यादा लो एनल्थ है, माइटी यहाँ पे जरूर AKM को शॉट लेंगे, क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। टीम नंबर 12 का प्लेयर है, देखते हैं किस तरीके से वो अपनी फाइट को खेलेगा, क्योंकि ELMT का हेक्टर यहाँ पे अकेला प्लेयर देखने को मिल रहा है, नहीं अकेले नहीं लास्ट के 3 प्लेयर है। एंड ये ग्रेनेड यहाँ पे जरूर कनेक्ट करेगा, थोड़ी सी डैमेज जरूर देगा। IM के नूब को यहाँ पे नॉक भी कर दिया गया, राइट साइड से माइटी के ऊपर क्लोजिंग आ सकता है। एंड माइटी को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, जंप शॉट के लिए गया था। एंड माइटी को भी किया जाएगा यहाँ पे एग्जिट, INS के डेथ नोट के हाथों। एंड डेथ नोट ने भी एक किल जो था वो अपने नाम किया, INS के ह्यूमनॉइड को भी यहाँ पे किया जाएगा नॉक डाउन। एंड बहुत ही प्यारा लेजर स्प्रे आया यहाँ पे पोस्टमैन गॉड एक्स का। एंड इसी को कहते हैं कि ये चाहे जोन में भी जाना पड़े लेकिन किल्स को किसी भी चांस में प्लेयर्स ड्रॉप आउट नहीं करते, क्योंकि किल का एक पॉइंट मिलता है। आप अभी अगर 4-5 किल्स निकाल लेते हो और एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हो तो काफी ज्यादा हेल्प जो है वो आपको देखने को मिलता है। चैनल दो फॉलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल गाइस। एंड इफ एनी इश्यूज रिगार्डिंग क्वालिटी देन कांटेक्ट टू मी। एंड यहां पे इनको भी किया जाएगा स्पॉट, जो कि यहां पे टीम है। एंड पोस्टमैन अभी भी जोन जाते हो दिख रहा है। यहां पे FS की बात करते हैं, एक अच्छी रीज उनके पास देखने को मिले, व्यस्ती पुकार के पास AKM देखने को मिल रही है। अरबार की बात करते हैं, 0 किल्स के साथ यहां पे शॉट ले रहे हैं। बियर्ड बाबा एक बार वॉकआउट पहुंच चुकी है टॉप 10 में, भले ही उनके एक प्लेयर डाउन ही क्यों ना, उनको रिवाइवल के लिए जाएंगे जरूर आई थिंक। बग्गी लेके आए उनके प्लेयर उनको रिवाइव करने के लिए, बट अरबार ने जिस तरीके से यहाँ पे नॉक निकाले हैं बहुत ही अच्छी कवर दी जा रही है। RIP के एक्वा नॉक जो यहाँ पे डाउन कर दिया गया, तो जिन टीम्स का पिछला मैच खराब गया था क्या ही कास्टर हो, माँ की कसम स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच तरन, बट कुछ लोगों को कास्टिंग नहीं अच्छी लगती है भाई। एंड एयर एयर विल बी टॉक अबाउट टीम नंबर 9 बहुत ही प्यारे तरीके से अरबार यहाँ पे लेते दिखेंगे शॉट। अरबार इज द लास्ट 2 मैन जो कि है यहाँ पे, लास्ट 3 मैन है, बट एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है इनकी टीम के पास। एंड अगर बात करते हैं ELMT के हेक्टर जो कि जोन के बाहर लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे हीलिंग की फाइट। एंड RIP टेम्पेस्ट निकालेंगे एक और प्लेयर का नॉकडाउन, RIP की तरफ से एक अच्छी फाइट आती हुई दिख रही है। यस तो सुनामी का जाएगा ग्रेनेड, डेल्टा पीजी को दिया जाएगा काफी ज्यादा डैमेज, और यहाँ पे निकाला एक प्लेयर का नॉकडाउन,
नाउ हियर सवितार इज द लास्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम एंड देखते हैं किस तरीके से अब यहां पे खेलेंगे। ओके तो यहां पे होगी टीम 5 भी एग्जिट एंड यहां पे जो ग्रेनेड गया था वो काफी ज्यादा इनिशिएट ग्रेनेड गया था इनकी तरफ से एंड ये होती है असली फाइट लास्ट जोन की जो कि यहां पे लास्ट की 7 टीम्स लेते हुए दिख रहे हैं। यहां पे एफएस के प्लेयर्स ने लिया है फाइट एंड एफएस के प्लेयर्स ने निकाले नॉकडाउन 8 किल्स के साथ खेल रहे हैं। दो ही प्लेयर्स को शुरुआत से किल्स मिले थे एंड लास्ट में भी अब यही दो प्लेयर्स अपनी फाइट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं विद इज एफएस गमला बॉय एंड बीएसटी पुकार। नाउ वी विल सी अ ग्रेट फाइट कमिंग ऑफ डीन टू डी टू प्लेयर्स जो कि यहां पे बीएसटी पुकार एफएस गमला बॉय ओपी कास्टिंग ब्रदर की बीट अप मेरी जान। अरे थैंक यू सो मच। यहां पे बात करते हैं एफएस गमला बॉय करते हुए दिखेंगे यहां पे स्मोक वॉल से क्लोज इन एंड जोन की डैमेज काफी ज्यादा डील अप कर रही बट उनके सामने आप एफएस के प्लेयर जाएगा ग्रेड और निकाला है टेम्पेस्ट ने नॉकडाउन। एक बहुत ही प्यारी फाइट आरआईपी की तरफ से यहां पे देखने को मिली यहां पे एंड बाकी प्लेयर्स की यहां पे बात करेंगे। ग्रेनेड यहां पे थ्रो किया जाएगा वॉकआउट के प्लेयर्स के ऊपर ग्रेनेड कनेक्ट करेगा डैमेज काफी ज्यादा पड़ेगी नॉक भी देखा और यहां पे डैमेज आया है। एक और ग्रेनेड यहां पे कुक कर लिया गया है एंड टेम्पेस्ट का जो ग्रेनेड है द मैन विद द गोल्डन हैंड वो यहां पे अपना प्रूव कर रहे हैं। टेम्पेस्ट ने यहाँ पे शॉट जरूर लिया एक मॉली जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं अगर ये मॉली यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि उसके जस्ट नीचे लाइफ क्राफ्ट के मयंक जो है वो अपनी टीम के लिए द लास्ट मैन जो कि अपनी टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए खेल रहा है फिर पोजीशन ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इस बंदे में इतनी दम है लाइफ क्राफ्ट के मयंक के अंदर कि अकेला भी 1v2 1v3 कर सकता है एंड अगर यहाँ पे इसके फुटप्रिंट जरूर आ जाएंगे अगर थोड़ा सा क्लोज इन डालेगा अदरवाइज यहाँ पे वॉकआउट्स के तीनों प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने की अकेले जो क्षमता है वो यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट का मयंक रखता है। बट जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स की हम बात करते हैं लाइक एसटीएट के प्लेयर्स भी यहाँ पे धीमे धीमे स्मोक वॉल्स बना के जोन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं कि ताकि हम स्पॉट ना हो। बट यहाँ पे एक और ग्रेनेड तो यहाँ पे आरआईपी के जो कि प्लेयर्स है एक प्लेयर निकलो जरूर थोड़े पीछे होल्ड कर रहा है अपनी टीम को कवर देने के लिए बैक ऑफ के लिए कि हाँ अपनी टीम को अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हम हैं उनको डील अप करने के लिए एंड वापस यहाँ पे ग्रेनेड जाते हुए दिख रहे हैं। ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज भी यहाँ पे डील अप करता हुआ दिखेगा तो देखते हैं यहाँ पे। ओके तो वापस हो चुकी है फाइट एंड यहाँ पे वॉकआउट के ऊपर क्लोजिंग आया आरआईपी के प्लेयर्स एक्वानॉक्स का एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है। एक्वानॉक्स यहां पे करेंगे लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स का एक्टिवेशन वापस जो पर आरआईपी ने निकाला है नॉकडाउन। नाउ वी हैव लास्ट 3 टीम वॉकआउट टीम 21 एंड यहां पे आरआईपी एंड आरआईपी जिस तरीके से खेल रहा है लग रहा है कि आरआईपी की टीम इस मैच में हाईली कंटेंडेड है। चिकन डिनर के क्लोजिंग जरूर डाला अकेला प्लेयर रिवाइवल चल रहा है पे स्पॉट नहीं किया यहां पे किया स्पॉट एंड कर दिया गया है वॉकआउट्स की टीम का भी एलिमिनेशन। नाउ वी हैव लास्ट 2 टीम्स जिसमें से यहां पे दिखने वाली है आरआईपी एंड टीम 21 विच इज जोए। लगा नहीं था जोए इतनी इजी तरीके से पहुंच जाएगी अपनी हीलिंग अपना बैग सब कुछ यहां पे ड्रॉप आउट कर चुके थे बट अभी के लिए उठा सकते हैं क्योंकि अब इनकी क्लोज फाइट है 2v2 की। आप हील बैटल पे नहीं निकाल सकते हो क्योंकि बहुत ही बड़ा जोन है आरआईपी के प्लेयर्स यहां पे पूरा का पूरा मैप यहां पे क्लोज इन करना चाहेंगे बट एक चीज आरआईपी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा आप बहुत अच्छे तरीके से खेल के पहुंच चुके हो टॉप पे एंड एक छोटी सी गलती आपका पूरा मैच खराब कर सकती है इसलिए साथ में रहिए ताकि आपका कोई प्लेयर नॉक हो आप इजीली उसको रिवाइवल दे सको वही यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। कौन बोलता है कास्टिंग पसंद नहीं आपकी कास्टिंग ओपी है ब्रो अभिजीत कलकुंभे। अरे थैंक यू सो मच अभिजीत भाई लिया जाएगा शॉट एंड निकाला है आरआईपी ने यहाँ पे चिकन डिनर जिसकी मैं बात कर रहा था पिछला मैच खराब गया था। इस मैच में अपनी जो मेन लाइनअप है उसके साथ जो डोमिनेशन थी वो यहाँ पे आरआईपी की टीम ने दिखाई एंड जो असली चिकन डिनर था जो मतलब किल्स के साथ चिकन डिनर होता है जिसमें स्वाद आता है वो चिकन डिनर यहाँ पे आरआईपी की टीम ने निकाला था। किल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ आरआईपी के टोटल किल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास देखने को मिलने वाले 14 किल्स चिकन डिनर एंड हियर्स द जॉर्डन परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम आरआईपी टेम्पेस्ट द मैन विद द गोल्डन हैंड जिसको कहते हो हम लोग जो कि ऑब्वियसली मावी को कहा जाता है बट अभी के लिए टेम्पेस्ट थे इस मैच में एंड जिस तरीके से इनके ग्रेनेड देखने को मिल रहे थे लग ही रहा था कि एक ग्रेनेड से ही पूरा मैच खत्म कर देंगे तो द मैन विद द ग्रेनेडियर जिसको कह सकते हैं हम लोग वो यहाँ पे देखने को मिले आरआईपी टेम्पेस्ट। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टीम नंबर 2 की लास्ट 2 प्लेयर्स थे वही 2 लास्ट तक सर्वाइव करे किल्स की बात करें 5 किल्स आया वॉकआउट्स का एक अच्छा गेम प्ले निकल के आया थोड़ा सा इनके पास डिसएडवांटेज थी वो इनको थोड़ा सा डील अप करने में 6 किल्स बाद जरूर निकाले यहां पे टोटल वॉक वियर्ड बाबा एंड मैक्सी वो ने 3-3 किल्स एंड एसीएड की बात करते हैं उनके पास जरूर यहां पे 5 किल्स आएंगे। एंड अगर लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स की बात करते हैं 2 किल्स यहां पे मयंक ने अकेले निकाले वही लास्ट प्लेयर था जो लास्ट तक यहां पे सर्वाइव किया था। एंड अगर बात करें टीम 6 के प्लेयर्स की ईएलएमटी के प्लेयर्स के यहाँ पे टोटल 10 किल्स देखने को मिलेंगे एंड अगर यहाँ पे बीएसटी के प्लेयर्स की बात करेंगे 8 किल्स टोटल इनकी टीम के पास देखने को मिले थे। एंड यहाँ पे पान सिंह की बात करते हैं पान सिंह का एक अच्छा गेम लाइक पिछला मैच जिस तरीके का पान सिंह का देखने को मिला था ये मैच जिस तरीके के पान सिंह का देखने को मिला था वो यहाँ पे 3 किल्स देखने को मिला। एंड यहाँ पे बात करें टीम नंबर 9 के प्लेयर्स की 0 किल्स थे इनके पास क्योंकि अर्ली फाइट यहाँ पे उनके पास देखने को मिल गई थी तो वो यहाँ पे देखने को मिली। अरुल विक आर यू फ्रॉम वेयर ब्रो
are from India? First explain me this, after then I'll try replying your question. भाई यहाँ पे बात करते हैं RG Clowny 00 kills इनकी देखने वाले postman की बात करते हैं, एक kill इन्होंने निकाला था, इन्होंने ही third party करी थी जो कि काफी ज़्यादा problem create कर गई थी. I think team थी कौन सी team थी मेरे को याद नहीं आ रहा, जिन्होंने अब शॉट लिया था. ओ हाँ, माइटी की जो टीम थी, माइटी की टीम के साथ जो फाइट चल रही थी वहां पे पोस्टमैन ने पीछे से थर्ड पार्टी करी थी M4 के स्प्रे की, एंड जो किल था वो अपने नाम किया था. एंड बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं तो गॉड्स के सक्षम का थोड़ा सा खराब मैच देखने को मिला, फंस चुके थे बीच में. पावर हाउस की तरफ से फाइट भी देखने मिली, किल्स यहाँ पे जरूर माइटी की टीम के पास 3 किल्स देखने को मिले थे. एंड अकेला प्लेयर पोस्टमैन बचा था जोन की अच्छी खासी कवर के साथ मूव कर, वन अंडर देम अपला मिस्टर कॉपी कैट. या ब्रो आई डजंट नो This type of language. I am a Hindi caster, so please, I think you are trying to understand. And pain की बात करेंगे, 2 kills crawlers भी, 3 kills total, 5 kills four king की बात करते, 3 kills देखने को मिलेंगे. Crawl Pharaoh की अच्छी fight आई थी, kills नहीं secure कर पाए. Zerg की बात करते, 2 kills इनके पास देखने को मिलेंगे. If we talk about team tactical, get totally 0 kills, but 17 position एक early elimination. हाँ, irritating भाई मुंबई से हैं, अरुल विक. अरे भाई इरिटेटिंग थी क्या भाई, सॉरी भाई. नेक्स्ट मैच में मैं ट्राई करूंगा कि आपको कास्टिंग पसंद आए भाई, आप बता दीजिए आपको कैसी कास्टिंग पसंद है, मैं वैसी कर दूंगा. MZZ की बात करते हैं, रौनक 1 kill, ZD डायरेस 1 kill, TMTC सिंचैन 0 kills, एंड OG डार्क यहाँ पे 0 kills. हेक्स की बात करते हैं, इनके पास टोटल 0 kill जाएंगे. एंड फेक एम के जीजी काकासी की एंड एनिग्मा सारंग एके ओपी इनके पास भी टोटली जो है 0 kills यहाँ पे देखेंगे. नमस्ते बड़ी, नमस्ते मिस्टर कॉपी कैट, हाउ आर यू. सो गाइज Now we will go for the caster desk and बात करते हैं क्या रहा पूरे मैच का जो सिनेरियो था एंड किस तरीके से पूरे मैच में जो फाइट थी वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली. मतलब फाइट तो काफी तरीके से यहाँ पे टीम्स ने डील अप करी थी तो वो तो काफी ज्यादा मैटर करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो होता है ना कि क्या गलती हुई कहाँ पे किससे क्या मैच में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वो देखने को मिली, जिस वजह से जो जो कहते हैं चिकन डिनर था वो मिस कर गई टीम्स यहाँ पे. ओके सो लाइक हम लोग बात करते हैं लाइक जिस तरीके के मैच देखने को मिला, स्पेशली अगर बात करते हैं RIP के प्लेयर्स की, लाइक RIP के थी सुनामी की बात करते हैं तो थी सुनामी मैं बोलता हूँ सुनामी एंड टेम्पेस की बात करते हैं. टेम्पेस ने जिस तरीके से ग्रेनेड ट्राई किए थे वो वॉकआउट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे थे एंड इसी वजह से वॉकआउट्स अप ब्रिज चढ़ नहीं पा रही थी, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ. बट इस फाइट का फायदा जो था वो जोई की टीम ने उठाया जो कि राइट साइड में 2 प्लेयर्स होल्ड कर रहे थे एंड वो होल्ड करते करते टॉप पे आ गए, टॉप 3 पे. एंड इसी के चक्कर में जो कि ST8 की टीम थी जो कि ST के प्लेयर्स थे वो यहाँ पे नहीं डील अप कर पाए अपर रीजन में, क्योंकि टीम 6 के प्लेयर्स बहुत ही प्यारे तरीके से खेल रहे थे जो कि यहाँ पे RIP की टीम थी. एंड अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करता हूँ लाइक ELMT हेक्टर ने जिस तरीके से वहां पे एक फाइट निकाली थी, पीछे से पान सिंह ने शॉट ले लिया था एंड वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा था पूरी फाइट के लिए. जोन में आप थोड़ा सा टीम अर्ली जाती तो मे भी थोड़ा फाइट जो थी वो इजी देखने को मिलती इन कंपैरिजन विद अदर टीम, तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है हर टीम के लिए. बाकी जो फाइट थी वो काफी अच्छी देखने को मिली. अब पॉइंट टेबल जो है वो आपको ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, स्पोर्ट्स एम्पायर के इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इजी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो वहां पे. एंड डिस्कॉर्ड भी दिया गया है वहां से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो. एंड सॉरी अगर मेरी कास्टिंग में आपको कुछ गड़बड़ी लगी हो, क्योंकि भाई हर बंदे के हिसाब से नहीं कर सकता है. मेरा अग्रेसिव है तो मैं अग्रेसिव तरीके से कास्ट करता हूँ, तो उसके लिए सॉरी अगर मेरी कास्टिंग आपको बुरी लगी हो भाई. एंड बाकी जो मैच था वो काफी अच्छी तरीके से देखने को मिला है. एंड थोड़ी देर के ब्रेक है, वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. एंड इसके बाद आई थिंक लास्ट मैच, 3 मैच का टोटल था यहाँ पे सिनेरियो. बहुत इसी तरीके से RIP ने पॉइंट टेबल में काफी अच्छी लीड मारी होगी, यहाँ पिछले मैच में जिस तरीके से रौनक एंड VST पुकार खेले थे उन्होंने एक अच्छी लीड मारी होगी. एंड वॉकआउट का भी थोड़ा सा देखने को मिला होगा पॉइंट टेबल, क्योंकि वॉकआउट के पिछले मैच में एक ही किल था जो कि अरबार ने सिक्योर किया था, बट इस मैच में उनके पास किल्स भी है ठीक ठाक एंड पोजिशन टॉप 3 है. टॉप 3 में 8 पॉइंट्स उनको मिलेंगे, किल्स के भी ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है किसी भी फाइट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने में. तो वी विल बैक आउट अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फॉलोअर्स ऑन इंस्टा ट्विटर एंड एनी अदर सोशल सिंगल साइट जो भी आपको दिख रही हो, आप वहां पे जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. एंड ई स्पोर्ट्स एम्पायर का XR आईफोन XR का जो गिव अवे है वो चल रहा है, उसके लिए आपको 20K इंस्टाग्राम फॉलोवर होते ही रैंडमली सेलेक्ट करेंगे ई स्पोर्ट्स एम्पायर वाले कि किसको वो आईफोन XR देना है, वो यहाँ पे अनाउंस कर देंगे. तो उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना. आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, कमेंट सेक्शन पे आपको पोस्ट दिख जाएगी, मतलब ऑब्वियसली उनकी साइट पे पोस्ट दिख जाएगी, कमेंट करिए आप उसमें, अपने 2 से 3 प्लेयर्स को टैग करिए एंड टैग करने के बाद अपना रीजन बता दीजिए वहाँ पे, इजिली आपको जो गिव अवे है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द. तो माई सेल्फ ऑन एडफियर एंड आई एम हियर टू कास्ट थंडर कप एंड वी विल बैक आवर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन.
jack it up.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. गाइस सो वी विल बैक आफ्टर अपने थर्ड मैच में हम लोग आ चुके हैं वापस, और जिसने अभी तक नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहां पे रेंगल का मैप है, अपना तीसरा मैच है, एंड यहां पे अगर प्लेन पाथ की बात करेंगे एकदम सेंटर से होते हुए जा रहा है, एंड काफी इंटरेस्टिंग मैप यहां पे देखने को मिला है। टीम्स की यहां पे काफी अच्छी जो फाइट है वो यहां पे देखने को मिलेंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक जॉर्जो पूल एंड जो कि पोचेंकी स्कूल, ये सब एक अच्छे ड्रॉप रहेंगे। रोजॉक में ऑब्वियसली एमजीजेड जाना पसंद करती तो उनका भी यहां पे रोटेशन देखने को मिलेगा, एंड देखते हैं अब किस तरीके से वो टीम्स यहाँ पे जंप करेंगी, एंड मेन सिनेरियो टीम्स का क्या रहता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरी की पूरी फाइट में, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड लाइक बाकी टीम्स की बात करते हैं तो देखते हैं क्या सिनेरियो टीम्स की तरफ से आएगा, बट अभी के लिए जो इनिशिएशन देखने को मिल रहा है टीम्स की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड जो भी यार नए हो जल्दी से शेयर करो जिसने अभी तक नहीं किया है। ओके सो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहे होंगे आपको, मिलिट्री बेस कोई भी टीम नहीं गई है ये सबसे बड़ी बात है। जॉर्जो सिटी में ऑब्वियसली काफ़ी टीम्स यहाँ पे जाती हुई दिखेंगी, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि काफ़ी कौन सी टीम्स यहाँ पे कहाँ पे जाएंगी, एंड देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम्स की तरफ से यहाँ पे इनिशिएट होता दिखेगा। अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टीम जरूर यहाँ पे होल्ड करती हुई दिखेंगी, एंड देखते हैं ओके सो यहाँ पे अब लेके चलते हैं आपको मैच के अंदर, बात करते हैं टीम्स के हिसाब से क्या रोटेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑन द स्क्रीन देखने को मिलने वाले हैं हेंगर सीसी के मैडी वाइटी खेलते दिख रहा है अकेले, ये भी ठीक है। एनिग्मा के सारंग ने आई थिंक एक फाइट ली थी अर्ली फेज में यहाँ पे, और यहाँ पे एनिग्मा सारंग यहाँ पे अपना किल भी सिक्योर करते हुए दिखेंगे। इनके जस्ट सामने अब गॉड के सक्षम देखने को मिल रहे हैं, लिपोफका के थोड़े क्लोज फार्म के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे यहाँ पे टीम्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड देखते हैं किस तरीके से अब जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे अपनी फाइट स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे इट के ए के ओपी देखने को मिल रहे हैं, इसके लॉल डोप 69 एकेएम उनके पास देखने को मिल रही है, एंड एकेएम का जो अच्छा खासा यूज है वो भी यहां पे प्लेस करते हुए दिखेंगे। तो लाइक देखते हैं उनकी तरफ से क्या सिनेरियो यहां पे बनेगा, एंड ओके तो हेक्स के रॉयल ओपी ने एक शॉट कनेक्ट किया था, हेक्स के रॉयल ओपी ने एक जो नॉक है वो यहां पे निकाला है। चलते हैं अब टीम हेक्स के ऊपर, टीम हेक्स वेयर इज टीम हेक्स। पिछला मैच इनके लिए थोड़ा सा खराब गया था ना, लाइक अर्ली फेज में एग्जिट हो गए थे, बट इस मैच को अपना थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे हेक्स की टीम, एंड देखते हैं किस तरीके से अब वो प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फाइट आती हुई दिख रही है, लाइक जिस तरीके का अभी के लिए सिनेरियो इनका देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी फाइट को। तो देखते हैं क्या आता है, टोटली अपनी टीम को यहाँ पे एक्सॉम एंड जितनी भी बाकी आपकी टीम है गाइज उनको यहाँ पे बताओ, तो देखते हैं क्या सीनियर टोटल बनता है, मतलब कौन सी टीम यहाँ पे हॉट ड्रॉप लेना चाहेंगी, कौन से यहाँ पे फेवरेट ड्रॉप्स रहने वाले हैं, पोचेंकी में कितना टीम्स यहाँ पे जाना पसंद करेंगी, कितना टीम्स यहाँ पे होल्ड करना पसंद करेंगी, यही सब मेन मैटर रहता है किसी भी फाइट का। एंड वॉकआउट्स ओपी मैडी खेल रहे थे या वॉकआउट्स की तरफ मैं चलता हूँ, वॉकआउट्स ऑब्वियसली उनका जो ड्रॉप है वहीं पे गए होंगे सिटी के एरियाज की तरफ, चाहे व्हीकल लेके क्यों ना गए, क्योंकि सिटी में बहुत अच्छी लूट मिलती है, फाइट भी इनिशिएट होती पड़ती है प्लेयर्स की। बट पोस्टमैन ने वापस एनिग्मा के सारंग को यहाँ पे डाउन कर दिया है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे एनिग्मा सारंग की तरफ चलते हैं। तो एक प्लेयर यहाँ पे इनको फिस्ट भी किया जा सकता है, यहाँ पे एनिग्मा सारंग यहाँ पे फिस्ट किया जाएगा, एंड पोस्टमैन ने यहाँ पे फिस्ट किया था। अब लास्ट के दो प्लेयर ही बचे, प्रधान ने यहाँ पे M16 के शॉट जरूर ट्राई किए, बट इट्स के यहाँ पे लॉर्ड को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। नाउ प्रधान इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम हिज टीम, एंड देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पे अपनी फाइट को यहाँ पे इनिशिएट करते हुए दिखेंगे। बाकी प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन उनकी तरफ से यहाँ पे बनता है।
यहाँ पे प्रधान यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पोस्टमैन के प्लेयर्स हैं यहाँ पे राइट साइड पे, वो वहाँ पे वापस होल्ड करते देखेंगे, उनकी तरफ से देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है टोटली पूरी फाइट के लिए। एंड कितनी जो जहाँ पे वापिस शॉट किए जा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे वापिस से डाउन किया गया है। जो फाइट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये टीम यहाँ पे खेलती हुई दिख रही है। ऐसा लगा नहीं था कि इतने अर्ली फेज में इतने अच्छे खासे जो किल्स हैं वो प्लेयर्स यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे एंड बहुत ही इनिशिएटिंग फाइट अर्ली स्टेज में यहाँ पे टीम्स की तरफ से देखने को मिल रही है। मेंटीज फ्रॉम एमजीजेड ब्रो, हाँ वो तो मेरे को वॉकआउट्स कुछ थी लॉल भाई मेंटी, अरे बट एमजीजेड के प्लेयर्स पूरे खेल ही कहाँ रहे हैं, एमजीजेड के आई थिंक तीन प्लेयर ही खेल रहे हैं। हाँ इस बार जरूर फोर मेंटी ओपी खेल रहे हैं बट पिछला मैच नहीं खेले थे इसलिए मेरे को लगा नहीं था, मैंने अभी तक एमजीजेड को यहाँ पे देखा ही नहीं था क्योंकि एमजीजेड रोजॉक की तरफ जंप करती है सबको पता है एंड ऑब्वियसली ये ड्रॉप भी उनका रोजॉक ही होगा एंड अब रोजॉक में ही देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा स्प्लिट जरूर है, प्रधान ने एक नॉक जरूर निकाला अपनी टीम के लिए एंड पर इनकी फाइट यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे किल सिक्योर करना चाहेंगे, पहली प्रियोरिटी ओपनली स्पॉट किया था गॉड्स के सक्षम को एंड यहाँ पे खेल सिक्योर कर लिया। पोस्टमैन के जो कि गॉडेक्स है वो इनके जस्ट सामने, जो कि आई थिंक गॉडेक्स की टीम है एंड देखते हैं गॉडेक्स के साथ यहाँ पे कितनी अली तरीके से यहाँ पे जो फाइट होती हुई वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके तो यहाँ पे प्रधान की तरफ से एक अच्छा डोमिनेशन देखने को मिला, मोस्ट प्रोबेबली प्लेयर्स यहाँ पे फॉल बैक यहाँ पे करना पसंद करते हैं। फोर किंग की तरफ चलते हैं मेरे भाई। गाइस एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, कास्टिंग में या क्वालिटी में कोई भी इश्यू हो तो चैट सेक्शन में बता देना क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी मोबाइल में देख रहा हूँ तो मेरे को तो कोई इशू नहीं लग रहा है, बट अगर आप लोग को लग रहा हो तो एक बार बता देना क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करके अपना डाटा वेस्ट कर। यहाँ पे प्रधान पे थर्ड पार्टी हुई थी टक्स गॉड की एंड गॉड की टीम ने प्रधान को एग्जिट कर दिया भाई, आपकी वजह से मैं फोर्किंग को दिखाने लगा एंड जो प्रधान का जो किल था वो मैंने दिखा पाया, बहुत ही प्यारे तरीके से थर्ड पार्टी करी थी। M4 के शॉर्ट से आए थे प्रधान, बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पे होल्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जो फाइट थी वो यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। अरे कास्टिंग भाई पॉइंट्स टेबल दिखाओ, अरे भाई पॉइंट्स टेबल भाई इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी ई स्पोर्ट्स एम्पायर के, आप ई स्पोर्ट्स एम्पायर के इंस्टाग्राम पे जाइए वहां पे आपको पॉइंट्स टेबल दिख जाएगी। मेरे पास पॉइंट्स टेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई कांट शो पॉइंट बिकॉज आई डोंट हैव। इफ यू वॉन्ट टू चेक द पॉइंट्स टेबल यू हैव टू चेक अस ऑन इंस्टाग्राम पे, जाओ भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लो भाई, तो अलग चेक इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम पे चेक करो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम पे जाइए आपको इजिली वहां पे मिल जाएगी स्लॉट लिस्ट एंड पॉइंट्स टेबल, जो कुछ भी आपको वहां पे चेक करना हो मिल जाएगा भाई। मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं दिखा देता, बट मैं अभी बोलूंगा मैनेजमेंट से कि पॉइंट्स टेबल अगर हो आपके पास तो मेरे को दे दीजिए, मैं लाइव पे दिखा दूंगा प्लेयर्स को, ठीक है समझे मेरे भाई। यहाँ पे भाई फोर्किंग को देख लो आप थोड़ी देर तक क्योंकि अभी के लिए कोई फाइट चल नहीं रही है यहाँ पे। ओके तो आरपीजी के फाइट चलने का नाम ही लिया मैंने, फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गई एंड डेल्टा पीजी के फैन थे यहाँ पे तरुण भाई, तो आप देख लो भाई डेल्टा की एक बार फाइट हो चुकी है यहाँ पे। आरपीजी के सप्तार ने यहाँ पे एमवाईएम की इमॉर्टल को स्पॉट किया था जो कि मिल्टा में जंप करना पसंद करते हैं एंड उनको भी इस फाइट से यहाँ पे एग्जिट किया गया। अब देखते हैं किस तरीके से एमजीजेड के रौनक को भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया जाएगा, एट द लास्ट नॉक जरूर आया उनकी तरफ से एंड चलते हैं एमजीजेड के रौनक की तरफ क्योंकि यहाँ पे बट टीएमपीएस के टी सिंचैन ने दो नॉक निकाले। अब फोर मेंटी के ऊपर पूरी फाइट आ चुकी है, देखते हैं किस तरीके से एंटी ओपी मेंटी है जो कि वो खेलेंगे। अब मेंटी ने डीपी से एक शॉट कनेक्ट किया, किल सिक्योर किया, रिवाइवल के लिए जा सकते हैं, क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, अकेला प्लेयर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रिवाइवल के लिए भी नहीं जा सकता है एंड देखते हैं किस तरीके से अब एमजीजेड के जो कि मेंटी ओपी है वो अपनी फाइट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से, इसलिए बोल रहा हूँ भाई मुझे मॉड बना दो, मैं इंस्टा की लिंक कौन कौन खेल रहा है सब समझा दूंगा ऑडियंस को भाई, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। योगे तो यहाँ पे हो चुकी है फाइट एंड मेंटी ने डीपी से डेसी पीजी को भी यहाँ पे नॉक किया था, तो मेंटी भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं एंड जिस तरीके की असॉल्टिंग की कमी समझ में आ रही थी वो यहाँ पे जरूर देखने को मिली है। अब दो प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स के सामने क्लोजिंग जरूर आया है, स्पॉट भी कर सकते हैं, रॉनिंग गेमिंग वाईटी को यहाँ पे स्पॉट किया जा रहा है, देखते हैं किस तरीके से अब एमजीजेड की जो टीम है वो यहाँ पे अपनी फाइट यहाँ पे लेते हुए दिख रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ जरूर रहा है यहाँ पे, मेंटी ओपी अभी भी यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखेंगे, यहाँ पे जस्ट सामने पे आई थिंक रॉनी गेमिंग वाईटी है, रॉनी गेमिंग को अभी यहाँ पे स्पॉट किया जा सकता है एंड क्लोजिंग जरूर आया है। M4 के यहाँ पे स्प्रेज लिए जा सकते हैं प्लेयर्स की तरफ से, देखते हैं गाइस क्या टोटल सिनेरियो इस फाइट का निकल के आता है। M4 अभी भी देखने को मिल रही है प्लेयर्स के पास, जस्ट सामने पे टीम 18 की टीम है यहाँ पे, देखते हैं टीम 18 के साथ क्या फाइट आती है, होल्डिंग देखने को मिलेगी दोनों टीम्स की तरफ से।
यहाँ पे ग्रेनेड आया था एंड अपने ही प्लेयर को ग्रेनेड से यहाँ पे नॉक कर दिया था। टीएमपी खुद को भी यहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर लिया भाई, ये क्या ग्रेनेड किया, खुद भी गए अपनी टीम को भी यहाँ पे लेके गए एंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एग्जिट हो गया। ओके सो यहाँ पे वापिस से बाकी टीम्स की तरफ चलेंगे, उनकी तरफ से भी जो फाइट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। अभी के लिए थोड़ा सा कंटेनर से यहाँ पे होल्ड करते देखेंगे। ओके तो चलते हैं यहाँ पे बाकी टीम्स की तरफ। आपकी फैन फेवरेट टीम है जो कि यहाँ पे मिस्टिक्स की बात करते हैं, साइरस सेंसेई है, जीरो किल्स के साथ इनकी फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे स्प्रेस कनेक्ट किए जाएंगे एंड देखते हैं ज्यादा कितनी ज्यादा यहाँ पे डैमेज की कनेक्ट की जाएगी। ओके तो यहाँ पे नॉक आ चुका है एक प्लेयर का एंड हाइप के नॉट योर कॉन्टेंट जो की थे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप मेरे कॉन्टेंट के नहीं है फिलहाल के लिए, तो एग्जिट लीजिए इस मैच से। एंड अगर बात करें टीम फाइव के प्लेयर्स की जो कि यहाँ पे डेल्टा पीजी एंड पान सिंह है, वो यहाँ पे इस फाइट को काफी अच्छी तरीके से आप इंसेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके सो देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बनता है टीम्स के लिए। तो वापिस से यहाँ पे शॉट लेते हुए दिख रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, काफी ज्यादा डैमेज वापिस से देखने को मिलेगी एंड डेल्टा पीजी यहाँ पे क्लाउनी को स्पॉट करना चाहेंगे। सेंसे ही काफी ज्यादा दूर है, मिल्टा में अभी भी फाइट चल रही है, एमवाईएम का एग्जिट जरूर आया था, बट जिस तरीके से टीम फाइव ने यहाँ पे क्लोजिंग डाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एंड टेक्टिकल की अगर बात करें, जिस टेक्टिकल की टीम खेल रही थी पिछला मैच, फर्स्ट पहला मैच इनका काफी अच्छा गया था पोजिशन वाइज अगर बात करें, थर्ड पोजिशन यहाँ पे सेकंड आए थे आई थिंक, ये मेरे को अपना कन्फर्म नहीं, बट हाँ आई थिंक पोजिशन पिछले मैच में इनकी पिछले मैच में काफी अच्छी थी, बट इस मैच में थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। नितिन यहाँ पे नॉक है टीम 12 के साथ, एक अर्ली फाइट देखने को मिलेगी जो कि इनके जस्ट सामने एंड लाइक यहाँ पे ग्रेनेड करते हुए दिख रहे हैं म्यूज की तरफ, यहाँ पे किया गया है ग्रेनेड। टेक्टिकल के हिटमैन ने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया था एंड हिटमैन काफी ज्यादा लो ऑन हेल्थ है। यूएमपी 45 से दो प्लेयर्स को यहाँ पे एग्जिट किया है इन्होंने, बहुत ही प्यारी फाइट यहाँ पे टेक्टिकल की तरफ। यहाँ पे यूजेड आई से शॉट लेने गए बट हो चुके, यहाँ पे रेड जोन से नॉक हो गए, तो ये कहते हैं किस्मत खराब तो पहलवान वाली जो कहानी है। एंड यहाँ पे बै ओके तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शॉट आते दिख रहे हैं। टेक्टिकल के एम बॉट को भी यहाँ पे एग्जिट किया जाएगा। अब हिटमैन अपनी टीम का अकेला प्लेयर बचा है, स्मोक वॉल्स तो उसने कर दिए, गन भी यहाँ पे स्विच कर ली है, M4 वगैरह जरूर उनके पास देखने को मिलेगी, बट उनके लिए जो फाइट इंडियन टाइगर्स ब्रो। ओके अबे कास्टिंग भैया इंस्टा में करंट पॉइंट स्टेबल नहीं है, करंट नहीं है तो भाई डाल दी जाएगी इन स्पोर्ट्स अंपायर, प्लीज इनकी प्रॉब्लम समझो भाई अरुल विक की, इनको पॉइंट टेबल दे दीजिए। इन्हें से इसी भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, म्यूज ओपी टीम नंबर 12 की टीम नंबर 12 की टीम एक अच्छी फाइट निकाली, टेक्टिकल फंस गए थे लाइक रेड जोन से प्लेयर्स नॉक हुए थे, तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो टीम्स को यहाँ पे देखने को मिली। एंड देखते हैं गाइस क्या सिनेमा पूरी की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे आता है। ओके तो वहाँ पे बाकी प्लेयर्स की तरफ चलेंगे, देखते हैं किस तरीके से वो खेलेंगे। टेक्टिकल के प्लेयर्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे वापस से शॉट लेते हुए दिख सकते हैं, तो लाइक बहुत ही इजी सिनेरियो जो है वो अब इस फाइट का देखने को मिला। ओके तो हिटमैन को भी यहाँ पे एग्जिट किया जाएगा एंड हाइप के प्लेयर्स वापस से फाइट ले चुके हैं। हाइप के प्लेयर्स तो भाई रुकने का नाम ही नहीं रहा, कह रहे इस मैच को हम किल्स के बेस पे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड लाइक जिस तरीके उनके पास किल्स देखने को मिल रहे हैं, हाइप के नॉट और कॉन्टेंट एंड पान सिंह है, पान सिंह का बहुत ही अच्छा मैच जा रहा है स्पेशली बड़े दिनों बाद वापसी देखने को मिल रही है स्पेशली इनकी तरफ से। एंड हाइप के नॉट और कॉन्टेंट दो किल, पान सिंह एक किल, अभी सविता एक किल, डेल्टा पीजी जीरो किल के साथ यहाँ पे खेलेंगे, M4 उनके पास जरूर देखने को मिल जाएगी एंड देखते हैं किस तरीके से अब वो प्लेयर्स यहाँ पे इस फाइट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखेंगे। ओके हाँ गाइस आफ्टर मैच अपडेट हो जाएंगे तो चिंता मत करिए, जैसे ही मैच खत्म होगा इंस्टा पे अपडेट कर दिया जाएगा क्योंकि इस मैच का रिजल्ट भी उसमें ऐड किया जाएगा ना, इस वजह से। आई होप यू आर गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड।
एंड यहाँ पे बात करते हैं एसटी के निंजा जॉर्ड, यहाँ पे जीरो किल के साथ खेल रहे हैं। ब्लेज टू ओपिक बात करते हैं जीरो किल के साथ, वो यहाँ पे मूव करेंगे। आरआईपी के एक्वा नॉक्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे जीरो किल्स के साथ यहाँ पे मूव करते हुए दिखेंगे। एंड लाइक वॉकआउट्स की बात, जीरो किल्स क्रॉल की बात करते हैं, बूटा के बियर्ड बाबा को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। तो वॉकआउट्स की एक अच्छी फाइट देखने को वापस मिली, M24 का शॉट इनके हेड पे कनेक्ट किया गया था। एंड अरबार डब्ल्यू अभी यहाँ पे होल्ड, M4 इनके पास देखेंगे। मिस्टर स्प्रे के प्लेयर्स जो की है वॉकआउट्स के, वो यहाँ पे टीम 17 के साथ फाइट ले रहे हैं। टीम 17 बैक टू बैक अपनी, मतलब टीम 17 जो है वो यहाँ पे फाइट को इनिशिएट जरूर कर रही है, हाँ, बट ये डिफरेंस अलग बात है कि वो अपनी फाइट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। बट बाकी जिस तरीके से इनकी जो फाइट चल रही है वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। एंड लाइक देखते हैं क्या सिनेरियो ऑफ टोटल इस फाइट का बन के निकलता है। फोर किंग को दिखाओ, भाई आपके बोलने से पहले ही मैंने आपकी टीम को ओके। सो यहाँ पे पूरी कवर बना रखी गई है व्हीकल्स की, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना डील अप करनी पड़े एंड इजीली जो रोटेशन है वो डाल सके। एंड वॉकआउट्स के पास एक अच्छा कंपाउंड देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ड्रोन व्यू की, तो जो कि मैप व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे जो कंपाउंड्स है वो आप देख सकते हो, पूरा ओपन है, सेल्टर का एरिया है, मिल्टा में एक जोन यहाँ पे पूरा हार्ड शिफ्ट ले चुका है। राइट साइड में भी काफ़ी टीम देखो, प्रिजन के एरियाज की तरफ उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी फाइट आ रही। टीम 5 की भी एक फाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलते हैं इनकी फाइट के ऊपर एंड आपको लेके चलते हैं यहाँ पे मैच के अंदर एंड देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे आरपीजी के सवितार का एक ग्रेनेड जरूर गया है एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। यहाँ पे 2 से 3 टीम यहाँ पे फाइट है, टीम 23 का क्लोजिंग जरूर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे पान सिंह की एक फाइट आती है, आरपीजी के सवितार यहाँ पे रैंडम स्प्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। टीम 23 का डायरेक्टली क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस फाइट को यहाँ पे इनिशिएट करते हुए दिख रहे, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो यहाँ पे गया था एक ग्रेनेड, यहाँ पे आरआरजी के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया गया। पीछे से यहाँ पे फाइट यहाँ पे आती हुई दिख रही है डेल्टा की पीजी की तरफ। डेल्टा के पीजी ने यहाँ पे जंप शॉट का ट्राई किया था, स्पॉट किया एक और प्लेयर को, यहाँ पे कवर में गए, तुरंत ग्रेनेड आया यहाँ पे अपने आपको होल्ड करिए, क्या शॉट लेने गए, यहाँ पे नॉक हो चुके हैं यूजेड आई से। पान सिंह का क्लोजिंग जरूर देखने को मिलेगा एंड आरपीजी के सवितार भी यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं। ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो करना चाहेंगे बट पान सिंह ने लिया था एकेएम का शॉट, एक और प्लेयर का पे डाउन करेंगे, काफी ज्यादा डैमेज आप प्रोवाइड किया। गन यहाँ पे स्विच करेंगे और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कवर फायर आई इनकी टीम के प्लेयर्स की, जो कि यहाँ पे सवितार एंड हाइप के नॉट कॉन्टेंट थे। एंड वापिस से जो फाइट थी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फाइट को यहाँ पे इनिशिएट किया था। यहाँ पे हाइप के नॉट रिकॉर्ड है, यहाँ पे स्मोक वॉल्स करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एटलेस की बात करते हैं, एटलेस यहाँ पे टीम नंबर 6 से खेलते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं गाइस क्या सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसकेएस के शॉट यहाँ पे ट्राई किए जा रहे हैं यहाँ पे आईएनएस की तरफ से, तो यहाँ पे आईएनएस के ह्यूमनॉइड की तरफ चलते हैं। टीम 15 के पास भी एक अच्छा व्यू देखने को मिला है। आईएनएस की टीम की बात करते हैं, वो भी जस्ट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो शॉट है वो यहाँ पे कनेक्ट किए जा सकते हैं। फोर किंग आईएनएस के ह्यूमनॉइड की बात करते हैं, उनके पास यहाँ पे एसकेएस विद एटेक देखने को मिल रहा है। शॉट्स लिए गए यहाँ पे ह्यूमनॉइड के ऊपर लेफ्ट साइड से, जो कि टीम 17 के प्लेयर्स थे। रिलोड को भी यहाँ पे इनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे इजिली स्पॉटेड है, तो वो भी आप इनके ऊपर शॉट लेते हुए दिख सकते हैं। एंड देखते हैं क्या टोटल सिनेरियो इस फाइट का निकल के आता है, आउटकम जो है वो इस फाइट का निकल के आता है। वापस M24 का शॉट लिया गया था एंड यहाँ पे वापस निकलॉस की तरफ, यहाँ पे निकलॉस अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आईएनएस के साथ इस फाइट को यहाँ पे डील अप करते हैं, क्योंकि लाइक आरआईपी के टेम्पेस्ट, एटलेस एंड सुनामी पूरा के सारे के मोस्ट प्रेबली प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे कंपाउंड पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। पान सिंह के ऊपर यहाँ पे मिनी 14 के शॉट ट्राई किए गए थे, आई थिंक डीपी होती तो एक अच्छा लेजर स्प्रे देखने को मिलता। एसटीएट की बात करते हैं, एसटीएट के ब्लेज टू ओपी है, ब्लेज टू ओपी यहाँ पे अभी के लिए प्रोन डाउन है। वॉर यहाँ पे जीरो किल के साथ खेल रहे हैं, तो अभी एसटीएट के पास कोई किल्स नहीं। एंड 15 की 15 टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रही हैं एंड जिस तरीके का जोन देखने को मिल रहा है, तो काफी ज्यादा टीम्स यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिख रही है। मैक्सिमो की बात करें, जीरो किल्स, मिस्टर स्प्रे वॉकआउट जीरो किल्स, अरबार जब्लू हो जीरो किल्स, हैक्स की बात करते हैं बॉम्बर जीरो किल्स, ओजी के डार्क 69 जीरो किल्स, फेक इवोक की बात करते हैं जीरो किल्स, हैक्स रॉयल ओपी यहाँ पे एक किल के साथ खेलेंगे, फेक के पास जीरो किल्स, ओजी डार्क 69 जीरो किल्स, हैक्स बॉम्बर यहाँ पे जीरो किल्स के साथ खेलेंगे। एंड देखते हैं किस तरीके से टीम 10 के प्लस इस फाइट को आगे इनिशिएट करेंगे। इट्स के साइरस एंड म्यूज लास्ट 2 प्लस बचे इनकी, बहुत ही अर्ली फाइट यहाँ पे जरूर देखने को मिली थी, जो कि आई थिंक टीम टेक्टिकल के साथ देखने को मिली थी, क्योंकि टेक्टिकल के एक प्लेयर ने 2 प्लस को यहाँ पे काफी अर्ली एग्जिट किया था, वही यहाँ पे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज जो थी फाइट को वो यहाँ पे क्रिएट करती हुई दिखी थी।
ओके सो यहाँ पे रौनक कंपाउंड में आ गया, टेम्पेस ने एक शॉट लिया था, बीटीएफ के जय को यहाँ पे डाउन किया गया है टेम्पेस की तरफ से, अपर रीजन से भी शॉट आते हुए दिख रहा है टेम्पेस का, एक बहुत ही प्यारा स्प्रे टीम 17 के प्लेयर्स के ऊपर एंड काफी ज्यादा डैमेज, और जो कि टीम टेम्पेस को थोड़ा सा ईजी करेगा बट जो जोन है ना वो यहाँ पे नहीं है टीम 17 के ऊपर, तो उनको जोन आना पड़ेगा तो वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखेगा, बट अपी के लिए टेम्पेस अपना बेस्ट दे रहे हैं, एक ग्रेनेड में भी यहाँ पे यूटिलिटीज यूज आउट कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड से भी यहाँ पे 3x शॉट लिया गया एंड यहाँ पे ग्रेट गेट जो था, एक गेट की कवर थी जय के पास, उसको यहाँ पे बस डाउन कर दिया गया है, राइट साइड से भी यहाँ पे शॉट्स करेगा, टीम 8 की टीम है, टीम 8 की तरफ चलते हैं, अभी के लिए कंपाउंड की जरूरत कर रहे हैं, जोन में आरआईपी के एक्वा नॉक्स एंड ST8 के बाकी प्लेयर, हेक्स के रॉयल ने यहाँ पे एक प्लेयर को वापस से डाउन किया, हेक्स की तरफ चलेंगे, हेक्स वापस से यहाँ पे फाइट लेते दिख रहे हैं, हाँ भले ही उनकी पूरी की पूरी टीम ना बची हो बट हेक्स के बॉम्बर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बॉम्बर के साथ यहाँ पे ओजी के डार्क 69 है, फेक के इवोक है यहाँ पे एंड हेक्स के रॉयल ओपी की बात करते, 2 kills उनके पास भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस फाइट में, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके तो यहाँ पे फेक इवोक 1 की बात करते हैं, 1 kill यहाँ पे ओजी के डार्क 69 0 kills, बॉम्बर की बात करते हैं वो यहाँ पे 0 kills निकालेंगे एंड क्लोज इन डायरेक्टली जा रहा है, वॉकआउट के प्लेयर अभी भी 0 kills के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, 1 kill जरूर यहाँ पे डेल्टा पीजी के पास आया है, बट यहाँ पे जिस तरीके से हाइप की टीम खेल रही है ना भाई, टीम नंबर 5 है जो कि किल्स में तो मतलब इन्होंने तबाही मचा रखी है, टोटल 11 kills अभी इन्होंने निकाली है जबकि 14 की 14 टीम सर्वाइव कर रहे हैं, इसको कहते हैं रियल डोमिनेशन लास्ट सर्कल की जो कि यहाँ पे इस फाइट में देखने को मिल रही है, देखते हैं क्या टोटल सिनेरियो अब इस फाइट का आगे निकल के आता है। ब्रो पॉइंट्स टेबल किधर इस मैच के बाद? भाई पॉइंट्स टेबल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तब तक के लिए चिल करिए। पान सिंह भी यहाँ पे वापस से शॉट लेंगे, जस्ट ऊपर यहाँ पे मैडमैन है, लाइफक्राफ्ट के प्लेयर होल्ड कर रहे हैं, ELMT के हेक्टर को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, RPG के सवितार के पास एक अच्छा यहाँ पे कवर जरूर है, वो भी यहाँ पे शॉट लेते हुए दिख सकते हैं, वॉकआउट से ऑलरेडी यहाँ पे ELMT के हेक्टर की टीम की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पे नॉक निकालते हुए दिखे थे बट अभी के लिए खुद नॉक हो रखे हैं एंड इनकी भी हेल्थ इतनी ज्यादा लो है कि कभी भी इनका नॉक देखने को मिल सकता है एंड ELMT हेक्टर का यहाँ पे किल भी सिक्योर किया जाएगा यहाँ पे मैक्स गन के थ्रू। अब इनकी टीम के जो बाकी प्लेयर है लाइक INS के ह्यूमनॉइड है यहाँ पे, डेरियस एंड डेथनोट एंड वॉइस 14 टीम अभी भी सर्वाइव कर रही है, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। डेथनोट की बात करें, डेथनोट यहाँ पे DP के साथ होल्ड कर रहे हैं, INS के ह्यूमनॉइड यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, ह्यूमनॉइड भी यहाँ पे स्कारल से शॉट लेते हुए दिखेंगे, जस्ट सामने हेक्स के बॉम्बर यहाँ पे अलग फाइट लेते हुए दिख रहे हैं, हेक्स के बॉम्बर की तरफ यहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से टीम हेक्स इस फाइट को आगे निकालती है। 0 kills के साथ यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, बॉम्बर का क्लोज इन जरूर आएगा, ओजी के डार्क 69 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फेक के इवोक की तरफ से भी जो क्लोज इन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड देखते हैं किस तरीके से प्लेयर्स जो है वो अपने फाइट को यहाँ पे आगे इनिशिएट करते हैं। ओ भाई गॉड, मतलब इतना गंदा चिल भाई कि वेट अ मिनट गाइस, गेम जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप, मेरे को नहीं पता। भाई लास्ट जोन में 14 बंदे, भाई यह दैल लग गए भाई।
ओके सो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। पता नहीं भाई गेम लूप था, इमुलेटर वीपीएन पे चलता है गेम तो वो रीस्टार्ट पे चला गया। बट यहाँ पे आरआईपी के प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, एटलेस एंड टेम्पेस्ट। यहाँ पे वीएसटी के पुकार ने एक यहाँ पे शॉट जरूर कनेक्ट किया था, जो कि यहाँ पे टीम नंबर 13 के प्लेयर है। एंड यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये जो प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हैं। गमला बॉय यहाँ पे देखो, वीएसटी पुकार के पास एक अच्छी पोजीशन देखो, रौनक यहाँ पे अभी भी टीपी भी ले रहा है। जैकी के प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे शॉट जोन की काफी ज्यादा डैमेज डील अपने प्रोन है यहाँ पे, एज इनके कोसा यहाँ पे जोन में थोड़ा सा क्लोजिंग डालना चाहेंगे। देखते हैं किस तरीके से बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे। थोड़ा सा इनिशिएशन देखने को मिले फोर्किंग की तरफ से, एक अच्छी फाइटर स्पेशली गुरु की बात करते हैं, ग्रेनेड जरूर गया था। क्रॉल के प्लेयर्स भी जस्ट आपको वापस यहाँ पे ग्रेनेड पे ग्रेनेड आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। लास्ट की तीन टीम्स यहाँ पे बची, वीएसटी के पुकार जरूर यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखेंगे। लाइक देखते हैं किस तरीके से टोटल सिनेरियो जो है इस फाइट का वो निकल गया था, क्योंकि काफी डिफिकल्ट यहाँ पे बैक टू बैक जो ग्रेनेड्स है ग्रेनेड्स है वो यहाँ पे थ्रो किए जा रहे हैं। पूरी की पूरी फाइट जो है वो थ्रोएबल्स के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड लाइक देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पे क्रॉल की तरफ वापस चलते हैं। भाई ये क्या ग्लिच है यार, किस्मत ही खराब है भाई। यहाँ पे जैकी का एक ग्रेनेड गया था एंड इस ग्रेनेड से उन्होंने एक नॉक भी निकाला है। जोन की डैमेज अभी भी प्लेयर्स यहाँ पे डीलअप कर रहे हैं। एंड देखते हैं यहाँ पे लाइक रौनक की बात करते, एक किल उन्होंने निकाल दिया। वीएसटी पुकार के पास अभी भी तीन किल देखने को मिल रहे हैं एंड ऑब्वियसली जोन में तो आ गए होंगे। थोड़ा सा ग्लिच है भाई, मैं क्या करूँ भाई इसका, बताओ भाई, किस्मत ही खराब है भाई अपनी। बीडीएफ के जय यहाँ पे जैकी की बात करते हैं, दो किल के साथ है। कोजा तीन किल अभी भी उनके पास है, फाइट अभी भी चल रही है। एंड यहाँ पे वीएसटी पुकार ने लिया था यहाँ पे एकेएम का शॉट एंड पुकार ने वापस एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया गया। एंड देखते हैं क्या हो गया, तो यहाँ पे कभी भी जो फाइट है वो खत्म, क्योंकि अब लास्ट की दो टीम्स बची है यहाँ पे वीएसटी रौनक एंड जैकी के, तभी भी तीन प्लेयर्स बचे, किल्स इनके पास काफी थे, सात किल्स यहाँ पे टोटल देखने को मिल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो, स्मोक वॉल जरूर थ्रो किए जा रहे हैं प्लेयर्स की तरफ से एंड लाइक जो फाइट है कभी भी यहाँ पे खत्म हो सकती है। जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका है प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, प्लेयर्स यहाँ पे मूव भी करते दिख रहे हैं। राइट साइड में कोई नहीं देखने को मिल रहा है, एक सेंटर छोटा सा जोन यहाँ पे अब बन चुका है। एंड देखते हैं कौन सी टीम अब इस फाइट को आगे क्या करते हैं। यहाँ पे शॉट्स वापस से लिए गए, जैकी के प्लेयर्स यहाँ पे जस्ट प्रोन डाउन है। कोजा के पास M249 देखने को मिले, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो किया जाएगा, एक प्लेयर का डाउन कर दिया गया। लास्ट के दो प्लेयर बचे, ग्रेनेड किया गया है M249 हाथों में, 150 MO की यहाँ पे रिलोडिंग है। अगर फ्री मतलब रैंडम स्प्रेस भी लेते हैं तो दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, बट वही ना, एक व्यू के ऊपर पूरा मैच होता है। कोजा के ऊपर पूरी टीम यहाँ पे चढ़ना चाहेगी, दो प्लेयर्स भले ही यहाँ पे, वीएसटी पुकार को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, यहाँ पे लिया गया शॉट, गमला बॉय को भी डाउन कर दिया, रौनक अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पे एंड रौनक ने काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड रौनक को भी कर दिया गया है यहाँ पे एग्जिट। एंड एट द लास्ट जो शॉट था वो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है एंड जो चिकन डिनर है वो निकाला यहाँ पे जोई ने, जो कि पिछला मैच यहाँ पे #2 आई थी उसने यहाँ पे रेंगल में प्रूफ कर दिया कि वाय दे आर हियर एंड उन्होंने निकाला इस मैच में चिकन डिनर। एंड सॉरी फॉर द इशू गाइस, गेम रीस्टार्ट हो गया था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल इशू है। बट जिस तरीके से रौनक की टीम खेली, पहला मैच चिकन डिनर, दूसरा मैच भी अच्छी पोजीशन, तीसरा मैच यहाँ पे चिकन सेकंड पोजीशन, किल्स भी अच्छे खासे 9 किल्स एंड फोर किंग की बात करते हैं इनके पास टोटल 5 किल्स, आरएफपी की बात करते 3 किल्स, जस की बात करते 3 किल्स, लाइफ क्राफ्ट की बात करते 0 किल्स, ALB की बात करते 10 किल्स, डेल्टा PG की बात करते एंड बाकी प्लेयर है जो कि उनके पास भी अच्छे खासे किल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड INS ह्यूमनॉइड के पास 3 किल्स, 4 किल्स पोस्ट मैन, 2 किल, 0 किल, बाकी प्लेयर अरबार की बात करते 2 किल, बेयर बाबा के पास 1 किल देखने को मिलेंगे, बाकी प्लेयर के पास कोई खास यहाँ पे सिनेरियो दे। मैडी काफी देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर गया, पॉइंट स्टेबल। IM नूप की बात करते हैं, उनके पास 0 किल, 4 किल, 2 किल, हेक्स रॉयल एक किल यहाँ पे फेक एंड बाकी प्लेयर्स के पास गए थे यहाँ पे। एंड ST के प्लेयर्स के पास भी अच्छी फाइट आई, RIP एक और नॉक्स की एक अच्छी गेमिंग फाइट देखने को मिली थी बट सिक्योर नहीं कर पाए थे अपने किल्स वगैरह, इसलिए 0 किल्स रहे। रॉनी के पे बट यहाँ पे वेल के फेथलेस ने जरूर एक नॉक निकाला, SCN की एक अच्छी फाइट आई, RSG की बात करते हैं उनके पास 0 किल्स, INS की बात करते हैं उनके पास 0 किल्स, किल्स तो खास किसी के पास देखने में, टेक्टिकल कर लिया एग्जिट, टेक्टिकल के एक प्लेयर ने जरूर 2 किल्स निकाले थे, हिटमैन ने MYM कर लिया एग्जिट देखने को मिला था, मिल्टा में MCZ के पास जरूर 2 किल्स आया, जो कि यहाँ पे मेंटी ने काफी अच्छी तरीके से फाइट को डीलअप किया था एंड एनिग्मा सारंग का कर लिया एग्जिट देखने को मिला। नाउ वी विल टॉक अबाउट कास्टा डेस्क गाइस, चलते हैं कास्टा डेस्क में, वहां पे करते हैं आप लोगों से कुछ वार्तालाप एंड उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो रहा। थोड़ा सा जो इश्यूज है उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि बड़े दिनों बाद यहाँ पे कर रहा था तो इस वजह से वो इश्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं कभी कभी एंड थोड़ा सा सेटअप भी मैं नहीं प्रोवाइड करा पाया, लाइक चिकन डिनर वाला जो सेटअप था वो नहीं प्रोवाइड करा पाया मैं, तो उसके लिए सॉरी।
ऑब्वियसली मेरे पास था, लाइक अगर मैं आपको दिखा दूं ये, सॉरी तो वो मैं नहीं दिखा पाया उसके लिए सॉरी। बट यार जिस तरीके से यहाँ पे फाइट देखने को मिली, इंटरेस्टिंग फाइट आई लास्ट में, जैसे वो M249 से प्लेयर होल्ड कर रहा था, उसने कहा था बस आने दो हम झेल लेंगे, मेरे ऊपर है पूरी फाइट। बट जिस तरीके से वो VST पुकार का नॉक निकला, उसके बाद जो डायरेक्टली स्लैम इन डाला टीम ने, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा टीम्स के लिए। तो लाइक इसी की वजह से जो फाइट थी वो काफी तरीके से यहाँ पे टीम्स ने इनिशिएट करी, तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करते हैं टीम्स के लिए। तो लाइक बाकी सब काफी ज्यादा यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल में टॉप पे दिखने वाली है रौनक की टीम, जो कि VST पुकार एंड FSC फ्यूचर स्टेशन कह सकते हो उसको। एंड बाकी मैं बात करता हूँ तो RIP के पास भी एक चिकन डिनर है, वो भी टॉप पे दिख सकती है, बट वॉकआउट थोड़ा सा नीचे जाएगी। एंड जोए तो ऑब्वियसली पिछला मैच सेकेंड, इस मैच चिकन डिनर वो भी टॉप 5 में तो दिखनी चाहिए, पॉइंट्स नहीं किल्स पॉइंट के बदले नहीं तो सर्वाइवल पॉइंट्स में तो दिख ही सकती है, ये भी एक कंपेरिजन है। तो वी विल बेट टुमारो द सेम टाइम, पता नहीं कल कौन करेगा मेरा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आज जो इशूज है पता नहीं क्वालिटी में तो मेरे को नहीं लगता कोई इशू हुआ होगा। हाँ लास्ट मैच में थोड़ा सा गेम जो था क्रैश हो गया था अपने आप, होता है लाइक लास्ट सर्कल में 14 प्लेयर्स अलाइव हो गाइज, और ये डोमिनेशन हो तो मेरा PC क्या प्लेयर्स का iPhone 12 Pro Max नहीं झेल पाता, फिर ये क्या है, इस वजह से इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए सॉरी फॉर द इश्यू गाइज, वी विल मैट टुमारो एट द सेम टाइम, या लास्ट मैच था, 3 मैचेस की बात हुई थी, तो हम लोग मिलते हैं आपसे कल, तब तक ले करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पॉइंट टेबल आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, थोड़ा टाइम दो मेरे भाई, थोड़ा टाइम दो, ठीक है, हम लोग आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय टाटा अलविदा एंड स्टे ट्यून्ड गाइज। Jack it up.